हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर मुझे भी आज पूछना है बाद में थोड़ा। हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर हरि हूँ, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। नमस्कार 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 नमस्कार। मेरा नंबर है 99227573708। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ सड़क वंदना से करते हैं। यदा मतस्य अवतरेण वेदोद्धृता तदा शेषाय तत्रैव वेदा सागम अवात्मान यतश्रयवायातो जाता के निंदिता अस्मान चरका नमान आशो खयाति सूचित मंडले सावाति चरका आचार्यो देवाचार्यो यथा देव सहस्त्रवदन स्यासोऽयं घनसूरुजाकृता पातांजल महावाश्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम अहत्रिय पते नमः अहत्रिय पते नमः अहत्रिय पते। गृहिणी गुरुजी प्रणाम। गृहिणी रोग के इस प्रकरण में जो हम गृहिणी को सर्वस्व रोगों का मूल मानते हैं, क्योंकि तो वहां हरि जठर। ओम जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपके दर्शन हो गए, धन्यवाद। आपके भतीजे साहब का एडमिशन करा दिया हमने बीएमएस में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। रुहेलखंड में ही? हाँ, तो उसी प्रोसेस में लगा हुआ था 8-10 दिन से। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा हो गया। और अब आपके लिए तो एक और ज्यादा चुनौती हो गई और हो गई डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मतलब और फेसबुक पे एक मैं आपको सुनता रहता था लगातार। एक्चुअली डिस्टरबेंस होता रहता था, तो मैं फेसबुक पे सुनता रहता था आपको। चलो, बढ़िया बढ़िया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनको भी कहो, उनको भी कहना कि आप वहां जा रहे हो तो शाम को जो है ये जरूर सुनो, भले आप फर्स्ट ईयर में हो, वो एक जी एक वो जो है वो मिलेगी उनके लिए ऊर्जा जो बिल्कुल बिल्कुल, हमने लोगों ने। जी बेसिक्स के लिए आप बढ़िया, इस ग्रुप मुबारक से बढ़िया सर, कोई बहुत किसी। बहुत मुबारक सर आपको। आज कनेक्टिविटी पुअर है कुछ क्या? है क्या करें डॉक्टर साहब? जी गृहिणी सीरीज में कल एक चीज आई थी सामने कि पुलिस की परीक्षा कैसे करें, उसको भी साथ में ले लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर, मैं इस चीज से बोलना चाहता हूँ। आपने बोला था, याद दिला दें कि पुलिस परीक्षा के लिए मैं बोल रहा हूँ सर, आपने मेरा नाम लिया था, तो प्लीज थैंक यू थैंक यू। पुलिस परीक्षण के लिए बताएं। कनेक्टिविटी पुअर है, आप लोगों की आवाज बहुत कट कट के सुनाई दे रही है, हो सकता है हमारी तरफ से गड़बड़ हो। आपकी आवाज तो ठीक आ रही है यहाँ तक। नहीं, नेटवर्क तो ये जो पुलिस परीक्षा है, अब क्योंकि इसमें जो पुलिस परीक्षा में अगर हमको करना होता है, तो क्योंकि गृहिणी की बात हो रही है, तो वहां हम कैसे तय करें कि हमारी जो जठराग्नि है वो ठीक है या कहीं विषम है या विदग्ध है के रूप से या पित्त से किसी से किसी दोष से भी मंद हो रही है, तो उसको हम कैसे परीक्षा करें, क्योंकि वो सब चीज अंदर एक ऐसे स्थान पर हो रही है जहाँ यहाँ हमारे इंडिया में अभी तक जो है वो इसको देखने के लिए, इसको परखने के लिए, इसकी सही जांच करने के लिए अभी तक तो कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो ये बता दे कि वायु के द्वारा आपकी जठराग्नि मंद हो रही है या फिर रिसर्च चल रही है, सरकार जोर दे रही है।
लोग भी एनर्जी इस पर काम कर रहे हैं, तो किस दोष से जो है वो अग्निमंद हो रही है और उसकी परीक्षा हम कहाँ से करें? तो पहले जो हमारे ऋषि रूप रहे थे उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका उसका ढूंढा था और वो कई तरह से करने के बाद फिर जो है चरित्र संहिताओं में उसका वर्णन किया कि आप इस तरह से पुरुष परीक्षा कर सकते हैं। मुझे ध्यान आ गया कि मैं पढ़ रहा था कि क्या पहले बिजली नहीं थी? तो हमारे ही आयुर्वेद के अगस्त ऋषि जो थे, जब हम अगस्त संहिता पढ़ते हैं तो उसमें जो विद्युत का उत्पादन है वो उसी समय होगा। मैं आपको बताऊंगा, आज मैं अगस्त संहिता पढ़ रहा था तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि विद्युत जो है उन्होंने ही सबसे पहले बैटरी बनाई थी। जो बैटरी का निर्माण किया था वो हमारे अगस्त ऋषि ने ही किया था और वहां से विद्युत का आविष्कार हुआ था। ये तो आज की बात है कि हम लोग उनको भूल गए, मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चली कि अरे हमारे ऋषियों ने जो उस समय विद्युत का उत्पादन कर दिया था और बैटरी उसको संचालित भी कर दिया, जो वो थी, और उसी को लेकर जो है फिर जो बल्ब का निर्माण हुआ, विद्युत का निर्माण हुआ, उन्हीं सब लेकर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा खेल रहा, वो हमारी संहिताओं के जो मुख्य विषय थे सर्जरी, मेन रूप से सर्जरी, वो चुरा के ले गए। इसलिए मेडिसिन छोड़ गए कि वहाँ यहाँ हर ऋतु के अंदर हर प्लांट होता है, इसमें तुलसी सूखी हुई है और वहाँ तो हर समय जो है वो ठंड का मौसम है तो तुलसी सूखी रहेगी, तो तुलसी कहाँ से मिलेगी? इसलिए उन्होंने वो मेडिसिन का पार्टी छोड़ दिया कि यहाँ वहाँ ले जाना ही ठीक नहीं है, प्लांट हम जो इसलिए पौधे हैं उनको हम उगा नहीं पाएंगे, हमारे मौसम ऐसा होगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। और जो मेन पार्ट था हमारा सर्जरी का वो उठा के ले गए और उसी में से तरह तरह से निकाल कर सर्जरी आज हम लोगों के सामने लाई जा रही है वो। और इसलिए ही सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जन जो है वो घोषित किया और अब तो चरक की वंदना भी मेडिकल कॉलेजों में जो है वो उसकी स्थापना हो गई। अब आप छोड़ो अपने हिप्पोक्रेट्स को जो भी हैं, नाम उसके लेने में थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने अब कहा कि अब चरक वंदना जो है प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में होगी। फर्स्ट ईयर से जो है वो आयुर्वेद भी पढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग कभी उसका ना करें विरोध, अच्छा बात है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी अगर गुजर जाती है तो हम 1% आयुर्वेद को ज्ञान लेने में तरस जाते हैं और वो कड़ी मेहनत करते हैं अपनी 30 साल की उम्र में, तब भी हमें 1% सीखने को नहीं मिलता है आयुर्वेद। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि जिनको शॉर्ट में जो है हर ईयर में एलोपैथ पढ़ाए, आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा, तो क्या हर साल में एलोपैथ आयुर्वेद सीख लेंगे? वो नहीं, एक प्राइमरी चिकित्सा के हिसाब से उन्होंने जो है उसको MBBS के कोर्स में रख दिया गया है। देखिए अब आयुर्वेद कहाँ जा रहा है, किस किस पैथी के अंदर उसने प्रवेश करना शुरू कर दिया है, ये कोरोना की तरह कि स्वस्थ स्वस्थ ठीक करने वाली चिकित्सा में उसने अपना प्रवेश करना शुरू कर दिया, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज ये कि जब हम गृहिणी की पढ़ रहे थे तो गृहिणी में मेन रूप से हमको यही देखना है कि पुरुष की परीक्षा हम कैसे करें, और उसको जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम जठराग्नि की परीक्षा नहीं कर पाएंगे। इस पर जो है सुश्रुत ने, चरक ने, भागवत ने, इन सभी हमारे आचार्यों ने इस पर बहुत ज्यादा तो वर्णन नहीं दिया है, लेकिन योग रत्नाकार ने, लेकिन हाँ अगर उसको ही आगे बढ़ा दें तो हमारे लिए वो काम बहुत अपना सफल सिद्ध होगा और सही मिलेगा। और खासकर एक डिजीज को बहुत मतलब कहना चाहिए उसमें फोकस में ला के उसको रखा है कि अगर आपने इसको पकड़ लिया तो सर्व रोग इसी के ही होते हैं। वो ग्रहण के अलावा एक और है जिसको मैं बार बार, और उसका दूसरा नाम बेगा अवरोध रख दिया है लोगों ने शॉर्ट में बोलने के लिए, जबकि अवरोध को अवरोध का मतलब ही कुछ अलग होता है, लेकिन हर चीज में स्रोतो अवरोध, बेगा अवरोध, ये जो सब चीजें जो बोलते हैं इसका परिप्रेक्ष्य अलग है बिल्कुल एकदम। ये नहीं कि आपने बेगा अवरोध बोल दिया सामने वाले के लिए, बेगा अवरोध का मतलब सिर्फ इतना आया कि उसके बेग में अवरोध हो रहा है, तो वो बेग में अवरोध कैसे हुआ, भागवत, योग रत्नाकार और चरक, इन तीनों ने मिलकर जो है वो उसको बहुत बड़ा रूप दिया है, और बहुत बड़ा रूप देने के बाद फिर उन्होंने इसी को आगे जाके फिर सीधे पुरुष से जोड़ दिया है कि इन रोगों में अगर आप पुरुष की परीक्षा नहीं करेंगे तो फिर मतलब कहना चाहिए आपकी जो निदान होगा वो अधूरा रह जाएगा और आप जो है अपनी चिकित्सा से भटक जाएंगे। देखते आगे क्या है, मैं इसको पूरा करने के बाद ही मतलब कहना चाहिए सांस लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा समय कम है और मतलब कहना चाहिए अगर मैं इसको 2 दिन में करता हूँ तो आगे अगर कहीं मूत्र परीक्षा के आ गया तो उसमें भी थोड़ा
चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए भले ही। रोक परीक्षा में किसी एक परीक्षा की सर्वोपरि देना हो तो पुलिस की परीक्षा है। उपज हुए शारीर या मानसिक दोष, अब यहां पर देख लीजिएगा क्योंकि यहां पूरा उन्होंने सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया पुलिस की परीक्षा में। कुपित हुए शारीर या मानस दोष अथवा अग्नि की दुर्बलता, फिर भूत रोग के सभी कारणों का प्रभाव पुरुष पर पड़ता है। मैं पुरुष ही बोलूंगा, ठीक है, इसको पुरुष ना समझे, पुरुष पर ही पड़ता है। चरक ने मधुराद रसों के जो मधुर आद रसों के जो गुणकर्म तथा उसके अतियोग के जो लक्षणों का साविस्तार उल्लेख कर अंत में अधोवायु पुरीस मूत्र, अब इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें मुख्य रूप से ये चार ही पांच दिए हैं और ये आपके लिए हर डिजीज के अंदर, चाहे अगर फीवर हो और फीवर से लेकर फिर चाहे कैंसर हो वहां तक लागू होगा। बीच की जितनी भी डिजीज हैं वो डॉट डॉट करके लिखते चले जाओ। चरक ने मधुराद रसों के गुणकर्म और उसके अतियोग के लक्षणों का जो साविस्तार उल्लेख कर अंत में अधोवायु पुरीष मूत्र और शुक्र की प्रवृत्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये दो पदों में दर्शाया है। मैं इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन अब मैं आपको एक बार क्योंकि नोट कराना चाहूंगा, अगर जिसके पास चरक संहिता है तो वो खोल लें, अध्याय 26 में श्लोक नंबर 59, 60, 61, 62, 63। क्योंकि मधुर जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक जो है, और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो जो बेसिक थोड़े 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 से होते हैं ये आपको हर डिजीज में घुमाने हैं। अगर आपके पास कोई सर्वुलर एट्रोफी का भी मरीज आया है, अगर आपके पास कोई माल न्यूट्रिशन का भी मरीज आ गया, और मैंने एक सूची बनाई है उस सूची को मैं उसमें पूरा डाल दूंगा कि इसमें वायु के कौन कौन से इस रोग में वो जो वायु होती है तो इस रोग में प्रधान क्या होता है, और वो बहुत ऐसी ऐसी डिजीजें हैं जो हम लोगों के पास आती है और हम इसी प्लेटफार्म पे या किसी दूसरे प्लेटफार्म पर उसका डिस्कशन करते हैं और फिर हमको ये समझ में नहीं आता कि इसमें दोष जो है वो आखिर मुख है कौन सा। उसमें लगभग मेरा ख्याल है मैंने कितने लिखे हैं, ये हैं लगभग आपके 8, 10, 18, 18 और 6, 24। गुरुजी अध्याय नंबर कौन सा था? 20, हाँ अध्याय नंबर 26, ये आत्रेय भद्र जो कल्पीय अध्याय है उसमें, तो ये लगभग 35 टाइप के हैं जिसमें केवल वायु के डिजीज के, और इसमें जो वायु के रूक्ष गुण के कारण, लघु गुण के कारण, शीत और खर और अल्प आहार, इन छह अगर चीजों का, छह अगर दोष जो वायु के दोष का गुण एक साथ मिलते हैं तो फिर वो ऐसी कौन सी डिजीजें हैं जो कि, और वो लगभग हैं ये हो गया आपका 5, 4, 9, 9, 14, 15, 15 और 2, 18 डिजीजें ऐसी हैं, 18-20 मेरे हिसाब से जो मैंने लिखी हैं जो मेरी अब तक प्रैक्टिस में चलती आ रही हैं। इनमें कौन कौन से, इन वायु के रूक्ष गुण के, वायु के लघु और वायु के शीत, वायु के खर और अल्पाहार और लंघन और आभोजन, ये सब कारण अगर एक साथ मिलते हैं तो फिर वो कौन सी डिजीज होने की ज्यादा संभावना होती है वो मैंने इसमें लिखे हैं। वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्योंकि इसको मुझे शेयर करना है अभी, और शेयर करके फिर मैं इसको डाल दूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपके लिए लिखा है क्योंकि मुझे तो पता थी लेकिन मेरा ये तो रफली लिखा हुआ है, अब मैं इसको बढ़िया तरह से लिख के फिर जो है इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा। समझा पूरा तुम? मिल गया सर? श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर 59 और 60, 59, 60, 61, 62, 63। अरे मधुर रस के अधिक सेवन से दोष, ये वाला पार्ट पढ़ना। हाँ, जी। ठीक है, तो आप इसमें देखिए 59 श्लोक है, मधुरो अम्लो लवड़ो चा स्निग्धो भावो आश्रयो रसा
बात मूत पुरुषाणाम प्रांथो मोचे सुता मता, और फिर उसके बाद में कटु तिक्तम कसाय तु रूक्ष भावस्यो रसा दुख साध मोचे साध रस्य बात बिड मूत्रेत या। ठीक है, तो इसमें देखिए स्निग्ध तथा रूक्ष रस, अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है और आप इसको बार बार इसको पढ़िएगा, इस पे कर लीजिएगा। जैसे मेरी तरह मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी जो बुक है ये बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी हो गई, और इसमें ऐसी चिति पड़ी है ये कि जिसका मतलब जहां भी आप इसको खोल के देखोगे वहां ये बुरी तरह से, कहीं से भी खोल लो इसको, ये बुरी तरह से आपको जो है चिति भी मिलेगी, इसको ऊपर सब कुछ लिखा होगा। तो इस तरह से आपका एक बुक भी है और एक नोट्स भी है, जैसे ये देखिए आप पूरी तरह से जो है एक नोट्स भी है एक बुक भी है, और आप ऐसे ऊपर लिख लिया करें इसको, किसी चीज को शेयर करने से पहले, जैसे मैंने ये बीच बीच ऊपर जो है लिख दिया है, ये मेरी अपनी शैली है कि मैं कहीं से अलग से नोट्स नहीं बनाता, उसी चैप्टर के दाएं ताएं बाएं इधर सब लिखता चला जाता हूँ जो मेरे को समझ में आते हैं वो। तो इसी तरह से अब मेरा वो खो गया। सेम सर, मैं भी ऐसे ही करती थी, बुक की हाल देखने वाली होती है, ट्रे की जगह हो जाता है सब कुछ अच्छा होता है। हाँ, फिर उसमें हमको बार बार एक एक टॉपिक क्यों नहीं लिखा, उस समय फिर परेशानी होती। अब इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है स्निग्ध होने के कारण मधुर अम्ल, मधुर लवण और अम्लों में तीनों रस। ठीक है, तीनों यहाँ तीनों रस। अब आगे दोष क्या दिए, बात मूत्र और पुरुष को निकालने में प्रायः सुक्कर होते हैं, मतलब अगर हम तीनों को खाएंगे तो ये सीरीज दी है, तो जैसे कि उड़द, और हम उड़द खाते हैं तो उड़द जो है वो क्या करता है कि वो पुरुष जनन का काम करता है, अर्थात पुरुष की मात्रा को बढ़ा देता है। तो यहां पर देखिए मधुर रस हमने एक ले लिया, लवण रस। अगर किसी के लिए आप देख रहे हो कि इसमें जो इसका कॉन्स्टिपेशन है, एक एक चीज का अर्थ समझते चले जाइए, इसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो लवण रस देने से लवण पानी खींच लेते हैं, ये जो चीजें हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लवण पानी खींच लेते हैं, तो वो पानी जब खींचते हैं तो वहां पर द्रव की मात्रा बढ़ा के और फिर मल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अम्ल रस क्योंकि सीधे जो कहते हैं कि पित्त को बढ़ाता है, और जब वो मतलब जो कफ होता है उस कफ को इनडायरेक्ट वे में बढ़ाता है, व्याधि प्राथमिक चिकित्सा के रूप में लेते हैं इसको, और फिर इसके बाद में फिर जो है वो मतलब कहना चाहिए ये मूत्र को पुरुष को और बात को, इन तीनों को यथावत रूप से निकालते रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमको अनसंस्करणपना के अनुसार जब आचार्यों ने ये सब चीज कही है, यहाँ सोचने की समझने की, आप इसको लवण मधुर या अम्ल लवण मधुर इस तरह से नहीं लिखो, ना इस तरह से करने की जरूरत है, क्योंकि ये उत्तरोत्तर जो इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है वो उत्तरोत्तर अगर एक डिजीज में हम देंगे तो उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है। लेकिन जिस डिजीज के अंदर जो भी रोग आपको लग रहा है, जिस रोग में आपको ये लग रहा है कि इसमें मल बद्धता है, तो हम सबसे पहले उस दोष को देख लें, उसके अनुसार इसको सेट कर लें कि पहले हमको ये रस देना है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने क्या काम किया, एक पेशेंट को कहा, एक पेशेंट मेरे पास आया जो मेरे को मतलब कहना चाहिए ऐसा हो रहा है कि मेरी मलबद्धता है, मैंने उसको सबसे पहले मधुर रस दे दिए, और उसने बताया मुझे कि मैं ज़्यादा जो है वो भागता दौड़ता हूँ और मुझे बहुत काम रहता है, मैं अपने शरीर से बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, खाने पीने का मेरा ऐसा ही रहता है और मलबद्धता रहती है, तो आपको फिर वायु के जो अपने प्रकोपित होने के जो आहार विहार हैं उनको आपने हिस्ट्री ली और तय कर लिया कि इसकी जो पुरीसा मतलब वायु है, अधोगत वायु है, वो तेज हो गई है, और वो तेज होने के कारण उसको शांत करने के लिए मेरे को सबसे पहले कौन सा रस यूज करना है, तेज रस हो तो तीन रस तो तीन है मेरे पास, लेकिन वो रस कौन सा पहले यूज कर दूं जो वायु को पूरी तरह से शांत कर दे, तब मैंने उसको वहां मधुर रस दे दिया। मधुर रस दिया, मधुर रस के साथ में मैंने लवणाम्ल भी दे दिया कि अगर हो सकता है कि मधुर रस के कारण वायु तो शांत हो गई, लेकिन फिर वहां पर पानी कौन लेके आएगा, जब वो पानी वहां लेके नहीं आएगा, पहले से मल कड़ा हुआ है, तो तभी कहा है कि जो लोग नमक नहीं खाते हैं उनको व्यापत्ति ज्यादा होती है, जो अक्सर नमक खाते हैं मैं स्वस्थ अवस्था में उनको जो रोग जो है वो जठराग्नि के या पुरुष के रोग जो है या अनाह के
या पौष्टिक विषम के रोग उनको ज्यादा होते हैं इस प्रकार के, क्योंकि वहां पर लवण का ना खाना एक प्रकार से ये दर्शाता है कि आप अपने उस वायु को इतना समय दे रहे हो कि वो वहां से पानी को अवशोषित कर रही है, वहां पर लवण की मात्रा है नहीं, कंसंट्रेशन वहां है नहीं, तो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, अगर वहां पर हम नमक की मात्रा बढ़ा देंगे वो पानी खींच लेगा और आपके मल को पतला कर देगा। इन्हीं तीन रसों पर डिपेंड करता है कि हम हर डिजीज में दोष को देख के और फिर हम ये तय करें कि इसको पहले अम्ल देना है, बाद में इसको लवण देना है, फिर उसके बाद में मधुर देना है, पहले मधुर देना है, फिर मेरे को अम्ल देना है, फिर लवण देना है। इस तरह से जो चिकित्सा है, मैं कभी कभी आपको बोल ही जाता हूँ ना, पहले ये चीज नहीं देनी चाहिए, ये चीज देनी चाहिए, तो वहां पर सिर्फ मैं यही सोच कर देता हूँ कि वो सिद्धांत जो है वो मेरे को याद रहता है और उस सिद्धांत के अनुसार फिर मैं उसकी चिकित्सा कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चार मरीज को सिद्धांत के अनुसार चिकित्सा करोगे, पांचवें में अपने आप ही याद आता चले जाए। सर थोड़ा सा इसमें ये था कि हमने जिसे लिखा हुआ कि रस दो तरह के, स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध वाले में मधुर अम्ल लवण रस, ठीक है सर, तो इनमें श्रिष्ट विड मूत्र मारुता, ये जो मूत्र और पुरुष और मारुत को बढ़ा देते हैं, और उसी तरह रुक्ष में कटु तिक्त कषाय बद्ध विड मूत्र मारुता, तो इसमें सर हमको ये समझना था कि अगर मधुर अम्ल लवण अगर मारुत को यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं वायु को, और मधुर अम्ल लवण जबकि वात सामक भी है, तो ये चीज तो कंट्रा इंडिकेटेड हो जा रहा है, कंट्रैक्ट हो जा रहा है एक दूसरे से, अपोजिट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको पढ़ने में दिक्कत कर रहे हैं, ये तीनों रस बात मूत्र और पुरुष को निकालने में प्रयास कर रहे हैं। जी जी निकालने जी। तो अगर बात बड़ी तो वो उसको निकालने में सुखकर होंगे, उसको अपनी दिशा में ले जाएंगे, अपनी दिशा में ले जाकर उसको निकालेंगे। अब आया दूसरा आपका वो है कि पुरुष को निकालने में प्राय सुखकर होते हैं, ठीक है जी। तो अभी हटा रहा हूं उसको, पुरुष को ले आ रहा हूं, क्योंकि यहां से समझ जाएंगे तुम। तो अगर पुरुष जो है वो कहीं पर गाढ़ है, गाढ़ का मतलब अगर कहीं कठिन हो गया है, और कठिन होने के बाद तीनों रसों को मिला के एक साथ दे दिया, ठीक है, वहां पर तीनों रसों को एक साथ जब मिला के दिया कि मधुर भी दे दीजिए इसको, फॉर एग्जांपल मधुर रस में आपने उसको कहा कि इसको मतलब कहना चाहिए जो मधुष्टि चूर्ण है उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक इसके साथ में खा लो, तीन रस हमने एक साथ दिए, मधुर यानी कि मधुष्टि के चूर्ण को सेंधा नमक मिला के नींबू का रस खा लो, ये हो गया ना पूरा योग, तीनों रस पहुंच गए ना इस साथ। जब वो तीनों रस पहुंचे तो जो मतलब कहना चाहिए जो वायु है क्या नाम है जो मुलेठी है उसने जो शांत किया वो उसने सीधे सीधे मधुर रस से वायु को शांत किया, लवण रस ने काम किया वायु तो शांत हो गई, लेकिन वहां पर जो मलबद्ध है वहां चिपका हुआ है वहां पर ग्रंथित है उसको द्रवीभूत करने के लिए पानी की आवश्यकता है ना। जी 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 सर, एक बार रिपीट कर रहा, जरा आवाज चली गई थी आपके बीच में। अच्छा, तो हमने क्या काम किया कि किसी भी पेशेंट आया उस किसी पेशेंट को हमने क्या मधुष्टि चूर्ण के साथ में उलेठी के साथ में इसे थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के और आप नींबू का रस खा लें, ठीक। जब उसने आपको हमने तीनों रस एक साथ दे दिए उसको और हमको पता कि वो ना तो उसकी बात जो है अनवोल अल्लोम हो रही है निकल रही है, ना ही उसका मूत्र जो है अल्लोम के बाहर निकल रहा है और ना ही उसका पुरीस, ये तीनों का विबंध हमने एक साथ पा लिया। अब एक साथ पाने के लिए हमने तीन रसों को एक साथ देना है, तो हम सिंपल सी छोटी सी भाषा आप उसको यूज कर सकते हैं कि मैंने मधुष्टि चूर्ण को लवण में मिला के नींबू के रस साथ में खिला दिए, यानी कि मैंने तीनों रस उसको एक साथ में दे दिए। अब हम कार्य के हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा मतलब कहना चाहिए मधुष्टि होगी वो वहां पर कफ को काटेगी, कफ को अलग करेगी, और कफ को अलग करने के बाद फिर वहां से जो हमारा अम्ल होगा वो वहां पर कफ और वायु, कफ मतलब कहना चाहिए और पित्त दोनों को बढ़ा देगा। जब वहां पर कफ और पित्त को दोनों को बढ़ेगा, लवण क्या कर्म करेगा, वहां पर जो ग्रंथिन मल पहले से पड़ा हुआ है वो पानी खींचेगा वहां से, और जब वो पानी खींचेगा तो जो मल वहां पर द्रव अवस्था कठिन अवस्था में पड़ा हुआ है उसको द्रवीभूत करेगा, और द्रवीभूत करने के बाद फलता तीनों को जो है वो एक साथ बाहर निकालेंगे अगर हम उसको एक
लयबद्ध तरीके से चार छह दिन तक लगातार उसको करके खिला दे तब। इसकी जगह आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, मैंने तो सिर्फ उदाहरण बताया है कि तीन रसों को एक साथ में कैसे दें। तब उन्होंने यहाँ पर कहा कि बात मूत्र पुरुष को निकालने में प्राय सुकर होते हैं। प्राय सुकर का मतलब हमेशा नहीं होते, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये देखे जाते हैं कि हाँ ये ड्रग जो है वो इन तीनों चीजों को निकालने में सहायक होते हैं। आगे रूक्ष का बताया है कि रूक्ष होने से कटु तिक्त और कषाय में तीनों रस वात मूत्र मल और शुक्र को निकालने में दुखकर होते हैं। ठीक है, तो दुखकर का मतलब देखो तीनों रस ऐसे हैं जिनमें किसी ना किसी रूप में वायु बढ़ती है, और जब वायु बढ़ती है तो वो स्तंभता पैदा करती है। स्तंभता का मतलब, पैदा करने का मतलब, जब वायु बढ़ेगी तो वो सर्व दोषों मतलब सभी को वहीं पर ठहर कर, मल हो मूत्र हो या पुरुष हो या शुक्र हो, सबको वहीं पर रोक देगी और फिर वो निकलने में मतलब कहना चाहिए जो उनके जो बाहर जो है निकलने में वो उसमें दुखकर सिद्ध होंगे। तो अगर हम ये तीनों रस इस तरह से खिला दिए कि एक साथ में हमने क्या काम किया कि कटु तिक्त कषाय तीनों दे दिए, अब वहां पर कहेंगे कि आप जब हम जो यही कारण है कि कटु तिक्त कषाय के साथ में हमको विरेचन द्रव्य देने पड़ते हैं, आप जरूर उधर की चिकित्सा में चले जाओ, हम कटु तिक्त कषाय तीनों ही खिलाते हैं उसके अंदर, लेकिन हमको फिर भी जरूरत पड़ती है कि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि आप ये तीनों ड्रग तो दे ही दें लेकिन मरीज को हम दूध के साथ में दूध पर ही रखें। उनका मेन कारण कई तरह से है, कई तरह से मतलब एनसी संप्राप्ति को भंग करने का है कि वहां पर जो उसके ब्लड के अंदर जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो बनी रहे, वायु शांत रहे, क्योंकि हम तीनों ड्रग ऐसे दे रहे हैं, चाहे आप फल थरकारी को आड़ा दे दो, चाहे आप आरोग्यवर्धनी दे दो, चाहे हम पूर्णिमा मंडूर उसके साथ में दें, चाहे हम रोहतक उसके साथ में दें, किसी भी तरह से हम चाहें कि इसकी एसाइटिस ट्रैप करेंगे तो एसाइटिस ट्रैप करने के उसमें हम ये तीनों ड्रग हमको देने पड़ेंगे। लेकिन उसमें एक मुख्य बात होती है कि जितना भी पानी होता है वो सब हमारी पेरिटोनियम कैविटी में आके भरता है। आंत में पानी अगर खींचने की बात करते हैं तो वहां पर लवण का बिल्कुल बंद कर दिया है कि आप लवण इसमें दें, लेकिन विरेचन को साध्य बताया है कि आप इसमें विरेचन दें। तब वहां पर विरेचन देने के लिए उन्होंने कहा है कि इसमें रूक्ष विरेचन आप ज्यादातर स्निग्ध और रूक्ष विरेचन, तो कभी एरन तेल देते हैं, कभी फल तरकी आदि को आद देते हैं, कभी एरन तेल कभी फल तरकी आदि का दूध उसको साथ में रखते हैं। वहां पर तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से ये तीनों रस वायु को मतलब कहना चाहिए शांत बढ़ाते हैं, और वायु अपने प्रभाव से इन चारों चीजों को रोक देती है और उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देती है। जब हम मूत्र की परीक्षा में इसमें तो बढ़ रहे हैं आगे, आप देखेंगे कि हमने क्या बताया, और मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता लेकिन आपको इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि जठराग्नि के साथ साथ अब ये जो चीज बताई है, ये जो चीज हमारे सामने आई है, ये नई निकल के नहीं आई है बल्कि बहुत पुरानी थी। और यहाँ तक कह दिया है आचार्यों ने कि जो उदावर्त होता है वो सर्व रोगों का कारण होता है। तो इसमें वही चीज मैं यहाँ पर इसलिए मैं इसको लेके चला आया, मुझे जानने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो केवल उसमें श्लोक ही लिख दिया कि इतने नंबर से इतने नंबर तक का है। इसके मुझे इसलिए आना पड़ा कि आखिर जो रसों का विवरण है बहुत ज्यादा विपाक के क्या क्या होते हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको समझ लेंगे तो फिर वो चीज समझ में आ जाएगी। हेलो सर, प्रणाम सर। सर इस श्लोक में जो है जब मधुर लवण और अम्ल की बात की गई है तो उसमें शुक्र को नहीं लिया गया है, लेकिन जब रूक्ष वाले कटु तिक्त कषाय तो शुक्र को भी लिया गया है। हाँ, तो वहां पर शुक्र क्या है कि जो वायु है वो बढ़ेगी पूरे संस्थान के अंदर, और वहां पर जो मल द्रव शुक्र के अतिरिक्त भी अगर जो मल है हमारे शरीर में उनको भी रोक देगी। वायु में तो इतनी शक्ति होती है कि वो पसीना का भी रोक दी। कभी कभी कोई पेशेंट शिकायत करता है आपको पसीना, मेरे को पसीना नहीं आता है, तब वहां पर एक शब्द बोल देते हैं कि आप यहाँ अवरोध जन संप्राप्ति है। वो अवरोध जन संप्राप्ति क्या होगी उसको मैं आगे बताऊंगा, आप इतना ही अभी ले लो, आपको अवरोध जन संप्राप्ति पता चल जाएगी कि शुक्र का निकलना, यहाँ तो ये सिंपल है कि शुक्र नहीं निकल रहा है, वायु का वहां अपना प्रेशर है अपनी बड़ी मात्रा में है, और जब वायु बढ़ेगी वहां पर वो स्तब्धता पैदा करेगी उस अंग में। स्तब्ध का मतलब एक प्रकार से उसको मतलब कॉन्ट्रेक्शन और उसको जो रिलैक्सेशन जो पावर होती है उसको वो कम कर देगी, और उसको जब कम कर देगी तो वहां से फिर जो है वो कोई भी मल शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, चाहे वो किसी रूप में। सर मेरा ये पूछने का मतलब है कि हम क्या अर्थापत्ति लगा सकते हैं कि मधुर लवण अम्ल ये शुक्र को निकालने में सहायक होते हैं? Yes, वहां पे शुक्र होना चाहिए सर ना। बिल्कुल ठीक ठीक। अब नीचे कुछ लोग और भी दिया है विपाक का अलग अलग कार्य। ठीक है, तो अब अगर हम किसी को कहें कि जी मैंने मधुष्टि दे दी और उसका विपाक ही कटु है तो क्या करोगे? यहाँ पर
बात वो नहीं है कि आपने किसी चीज को जो हमारी जीभ से लगा उसको मधुर कह दिया, लेकिन उसका विपाक कटु था। ठीक, जब विपाक उसका कटु था, जैसे सुंठी होती है खाने में कैसी होती है, विपाक उसका मधुर होता है, यही तो चीज है। अब हमने दे तो दी उसको सुंठी, ये समझ के ये तिक्त रस है, लेकिन उसका विपाक हो गया मधुर। अगर मधुर वो मतलब कहना चाहिए हो गया, तो फिर हमारा सुंठी देने का कोई भी तात्पर्य नहीं होता, क्योंकि वो मधुर रस में उसका विपाक जो है वो मधुर रस में हो गया। लेकिन ऊपर वाले जो सिद्धांत में है कि जहां मधुर अम्ल लवण, वहां पर अगर सुंठी को दे देंगे तो फिर मतलब जैसे कि वो सॉरी उसका जो तो जब वो होता है तो यहाँ पर विपाक को सामने रखकर भी हम ड्रग की च्वाइस करेंगे। तब अब कहा आचार्यों ने कि ये तो आपने देख लिया रस, लेकिन जरा विपाक को भी देख लें। तब कहा जो मैं श्लोक है वो आपने पढ़ी लिया होगा, पढ़ लिया हो गया, शुक्रः यद बिड मूत्रो विपाको बातला कटु मधुरा सप्त बिड मूत्रो विपाका कट शुक्रला। ठीक है, पित्त कृत सब बिड मूत्रम पाको अम्लम शुक्र नाशना तेषाम गुरु स्थान मधुरा कटु अम्ल बातो अन्यथा। यानी कि कटु विपाक वाले जो द्रव्य वो शुक्र को नष्ट करते हैं। यहां पर जैसे कि कटु विपाक वाले जो द्रव्य हैं वो कैसे, नीम, अगर हम नीम को बहुत ज्यादा दिनों तक खिलाते रहेंगे तो जो कटु विपाक वाले हैं वो शुक्र का नाश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि निम्न को बहुत ज्यादा दिनों तक खिलाएंगे तो उससे शुक्र का नाश होता है। मल को बांधने वाले होते हैं, रोकने वाले होते हैं। अगर किसी को मल जो है वो पतला हो रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो कटु विपाक वाले होते हैं उनको हम दे देते हैं, और वायु को बढ़ाने वाले होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी चीज लेने त्रिकटु है तो वो त्रिकटु क्या काम करेगा कि वायु को बढ़ा देगा लेकिन शुक्र का नाश कर देगा। इसलिए ही जो त्रिकटु में खास रूप से जो तीन चीजें ली गई हैं, सौंठ पीपल काली मिर्च, ठीक है, तो कहा है कि पिपली को ज्यादा दिन तक ना सेवन करें, लवण का ज्यादा दिन तक ना सेवन करें। तो उसमें जो दी गई है वो इसी के आधार पर तीन चीजें निकाली गई हैं। मल को बांधने वाले होते हैं और बात की बात को बढ़ाने वाले होते हैं। मधुर विपाक वाले, ये तो कटु विपाक वाले हो गए, मधुर विपाक वाले द्रव्य मल और मूत्र को निकालते हैं। ये हम पहले हैं, ये हम रस में भी पढ़ के आए थे और विपाक में भी पढ़ के आए हैं। वहां भी निकालने का काम कर रहे हैं, विपाक अगर उसका मधुर है तो यहां भी ये निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन कफ और शुक्र को बढ़ाने वाले होते हैं। तो अब डॉक्टर साहब का यहाँ पर वो जो संशय था वो मिट गया, क्योंकि कफ और शुक्र अगर हम वो वाले रस खिलाते हैं जो ऊपर वाले, तो वहां पर दो चीजें हमारे सामने आती हैं कि वो इनको निकालने वाले भी होते हैं और कफ और शुक्र को बढ़ाने वाले भी होते हैं। अगर हम ऐसे द्रव्य यूज करते हैं जिनका रस भी मधुर है और विपाक भी मधुर है, तो फिर हमारी जो ऊपर वाले जो अगर हम दोनों को मिला के इसको दे दें तो हमारे तीनों काम जो है वो एक साथ हो जाएंगे। अम्ल विपाक वाले द्रव्य पित्त को बढ़ाते हैं और मल मूत्र को निकालते हैं। देखिए अम्ल विपाक विपाक जब हम अम्ल रस पढ़ेंगे तो उसमें भी यही है, क्या है, अम्ल विपाक वाले पित्त को बढ़ाते हैं, मल और मूत्र को निकालते हैं, इसमें भी वो मल और मूत्र को निकालते हैं लेकिन शुक्र को नष्ट करते हैं। जबकि मधुर रस, अब शुक्र को नष्ट कौन कौन कर रहा है, एक तो अम्ल कर रहा है और दूसरा जो कटु विपाक वाले द्रव होते हैं वो शुक्र को, दोनों को नष्ट कर रहे हैं। जिनको चरक संहिता सामने रखी है वो इस चीज को समझ रहे होंगे, और जिनको चरक संहिता सामने नहीं है वो फिर लिखने में या उनको बहुत ज्यादा तेज स्पीड से लिखना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा, दोबारा सुनना पड़ेगा, या फिर जो है तभी थोड़ी सी सब लोग जो है वो रखा करो, क्योंकि इसको अगर मैं लिखता तो इसी में लिखने लिखने में मेरे 3-4 घंटे जो है वो चले जाते। अम्ल विपाक वाले पित्त को बढ़ाते हैं और मल मूत्र को निकालते हैं और शुक्र को नष्ट करते हैं। तो शुक्र को हमारा क्या कर रहा है, देखिए कहीं ना कहीं लवण भी शुक्र को नष्ट करता है और कटु विपाक वाले वो भी शुक्र को नष्ट कर रहे हैं। इनमें मधुर विपाक गुरु, अब इसमें गुरु की एक चीज बता रखी है कि मधुर विपाक होता क्या है, ठीक है, तो मधुर विपाक का मतलब किन उसमें होता है, इनमें मधुर विपाक गुरु और कटु एवं अम्ल विपाक लघु होता है, ठीक है। अम्ल विपाक लघु का मतलब, अब इसका तो आप समझ ही गए होंगे कि गुरु विपाक का क्या मतलब हुआ और लघु विपाक का क्या मतलब हुआ, तो इसमें जिसमें बहुत कम एनर्जी खर्च होके ड्रग जो है अपनी उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में वो एक्टिव अवस्था में रहता है उसे हम जो है
लघु कह सकते हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगने के बाद वो ड्रग जो है अपनी एक्टिव अवस्था में आए, फिर उसे गुरु विपाक कहते हैं। और उसकी जो एक्टिव अवस्था होगी वो किस रूप में होगी, इसको विपाक को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। जैसे कि अगर हम चीनी को अगर हम गन्ने को थोड़ी सी आंच पे पकाएंगे तो वो हल्का सा क्या करेगा, गुड़ रूप में बदलना शुरू कर देगा। यानी कि जब वो रस तो उसका वही है, लेकिन अंत में रस वही रहता है, मधुर रस ही रहता है सबका, लेकिन उसका जो अपना प्रभाव होता है वो बिल्कुल अलग अलग होना शुरू हो जाता है और उसके गुण भी चेंज होते चले जाते हैं। ऐसे ही विपाक का मतलब ये होता है कि जो ड्रग हमने दिया उसका वास्तविक रस क्या था, और जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल था, फिर उसका जो अपना प्रभाव है वो क्या था, और वो उस अब किस रस में किस रस के अनुरूप कार्य करेगा, वो डिपेंड करता है उसके विपाक पर। तो जब तक विपाक संभव नहीं होगा किसी का, यानी कि एक्टिव प्रिंसिपल में हम जब तक हम किसी ड्रग को लेके नहीं आएंगे, वो उसकी एक आखिरी स्टेज होती है कि विपाक कैसा होना चाहिए, यानी कि उसका एक्टिव प्रिंसिपल किस रूप में है, वो चीज दर्शाता है कि ये विपाक है। और जब तक विपाक की और अन्य जो अवस्थाएं होती हैं उनसे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। मतलब सिद्ध ये इतना होता है कि अब जो हम रस दे रहे हैं, रस अगर मधुर है, विपाक भी मधुर हो गया, तो वो सीधे वायु को शांत कर लेगा। अगर किसी दूसरे विपाक में टूट रहा है और हमने खाने में रस मधुर लिया और विपाक में किसी दूसरे में टूट गया, तो उसका प्रभाव विपाक के अनुसार होगा, ना कि उस रस के अनुसार। यहां पर मधुर विपाक गुरु, कटु और अम्ल विपाक लघु होता है, ये बात सुश्रुत ने भी अपने अनुमान में ये निश्चित किया है। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, गुरुपाक श्रेष्ठ बिड मूत्रता कफ उत्क्लेशनो लाघव बिड मूत्रत्या मारते कोपेन। इस प्रकार सुश्रुत का जो द्विभेद विपाक मतलब कहना चाहिए गुरु और लघु और चरक मत से भी सिद्ध हो जाता है, यानी कि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी आचार्यों में कंफ्यूजन नहीं है। अक्सर हमेशा एक चीज का जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो एक चीज पर कंफ्यूज करते हैं, अरे तीनों के सब सबके तो मत अलग अलग हैं, उसने ये बताया है, उसने ये बताया, कहाँ तक करें, सबका मत एक है, बस आप संहिताओं को किस रूप में लेके पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मूल विषय पर, क्योंकि यहाँ पर यही चीज मैंने बताने के लिए। तो सुश्रुत ने विपाक के कर्म भी जो पुरुष की प्रवृत्ति के प्रकार को लक्ष्य में रखकर दर्शाया है, और उसमें जो श्लोक है इस तक मतलब कहना चाहिए चरक संहिता में सूत्र स्थान 26 में जो आपने अभी उसका पूरा वो भी देखा, पुरुष है अन्य प्रकार से भी है। हम इस प्रकरण के आरंभ में देख आए हैं कि जठराग्नि द्वारा किस किस तरह से दोषों द्वारा जठरा अग्नि का मंदता होती है, उसको हम पढ़ के आए हैं। क्षीण दोषों के प्रभाव से जो क्षीण दोषों का प्रभाव होता है, उस प्रभाव से जठराग्नि किस तरह से मंद होती है, वो भी हम आपको जो है बता के चले आए हैं। अब जठराग्नि की परीक्षा, कि जठराग्नि की परीक्षा हम करें किससे, मेन कल यही था कि जठराग्नि की परीक्षा कैसे की जाए। तब हम इसमें पांच आचार्यों को सामने रखेंगे, सुश्रुत, चरक, अष्टांग हृदय और फिर योग रत्न। और इसमें हमारे लिए बहुत कुछ मिलेगा, मैं इसमें पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये अब मुझे लग रहा है बड़ा होता चला जा रहा है। जठराग्नि की परीक्षा भी पुरुष की परीक्षा से होती है, ये अब यहां समझने की जरूरत है, मैं बोलता चला जा रहा हूं। जठराग्नि की परीक्षा भी पुरुष की परीक्षा से होती है, ये दुर्लभ हो तो कौन जठराग्नि, ये दुर्लभ हो तो पुरुष आम युक्त होता है, अन्यथा पक् होता है। पुरुष की आम पक्वता के लक्षण जो आपको बताए आगे बताऊंगा उसमें क्या है कि जठराग्नि के बलाबल पर ही, यानी कि जठराग्नि के बल पर ही जो हम सबको पता है धातु अग्निया और भूताग्नियों का जो बलाबल भी उसी पर आश्रित होता है, और वे अग्निया पितरूप भी पितरूप ही होती है। जैसे अब यहां पर एक एक चीज, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता है और वो चीज सब कुछ लिखी गई है। जैसे आहार संयोग युक्त हो, हमारी पूर्ण बैलेंस डाइट है, हमारा फैट भी है उसके अंदर, प्रोटीन भी हमने ले लिया, कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, मिनरल्स नमक वगैरह भी ले लिया, पानी भी हमारे पास समुचित है, और रस जो
समरसयुक्त भोजन का तात्पर्य आयुर्वेद में कहा गया कि षड रसयुक्त भोजन हो, स्निग्ध हो और हल्का सा उष्ण हो और देश काल के हिसाब से अग्नि के हिसाब से उसको अगर आप यूज करेंगे तो फिर वो हमारे यहाँ बैलेंस डाइट मानी गई है कि यही आपकी जो है वो बैलेंस डाइट है। लेकिन भले ही रोटी है, रोटी में अगर केवल छह रस समान है तो फिर हमको दूसरी चीज खाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम छह रस ले चुके हैं, हमको पता है मेरी रोटी के अंदर छह रस है और छह रस लेने के बाद जो है मुझे अलग से जो है वो छह रस लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। भोजन संयोग युक्त हो और उसमें शरीर के सर्व धातुओं उपधातुओं, ध्यान से सुनने की, सर्व धातुओं उपधातुओं मलों दोषों एवं इनसे घटित जो शरीर अवयवों जो स्रोतों और आशायों के, मैं वहीं पर आ रहा हूं पितृधर कला पे लौट के, शरीर अवयवों स्रोतों और आशायों के जो पोषक गुण सम प्रमाण में विद्यमान हो और साथ ही जठरा अग्नि भी सम हो तो शरीर धातुओं आदि के सदृश धात्व अग्नियों के पोषक द्रव्य भी पक्व होकर अन्न रस द्वारा प्राप्त होते हैं। ब्राह्म यानी कि सब कुछ ठीक है, आपकी अग्नि ठीक है, संयुक्त भोजन भी है, वो पूरी तरह से जिस जिस ऑर्गेन को, शरीर के जिस जिस पार्ट को, जिस जिस अवयव को, स्रोतस को, उसके पोषक अंश जो चाहिए उसे पुष्ट होने के लिए और यहाँ तक कि दोषों को पुष्ट होने के लिए जो चीज चाहिए, चाहे वो हमारा वात हो, चाहे वो हमारा पित्त हो, चाहे वो हमारा कफ हो, और उन दोषों के जो गुण है, उन दोषों के जो गुण है उनको भी संपुष्ट करने के लिए उसमें पूरी तरह से हमारे भोजन में, संयुक्त भोजन में जो चीज है वो सब कुछ ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो रस जो बनेगा वो रस संयुक्त यानी कि एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हमारा जो रस प्राप्त होगा बॉडी के लिए उसमें सभी धातुओं के पोषक अंश पहुंच गए, मनुष्य स्वस्थ है। इसके विपरीत क्या होगा, जठराग्नि दुर्लभ हो तो अन्न पान में धातु अग्नि के पोषक द्रव्य विद्यमान होते हुए, सभी के पोषक द्रव्य विद्यमान है, हमने संयुक्त भोजन भी लिया है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नमक भी एक अपनी सम मात्रा में है, रस जितने भी रस हैं वो भी सम मात्रा में है, पानी भी सम मात्रा में है, हर प्रकार से हमने ध्यान रखा है अपने भोजन पर, लेकिन जठराग्नि मंद है। जब जठराग्नि मंद है तब वो क्या काम करेगी, होते मतलब कहना चाहिए विद्यमान होते हुए भी पचन ना होने से विकृत रूप में ही अधो मार्ग से बाहर फेंक दिए जाते हैं। नवमत से अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लें तो नवमत से जो धातु अग्नियां होती हैं सदृश, जैसे हम मान के चल रहे उसको थोड़ी देर सोच के चल रहे, हम कंपेयर तो नहीं कर रहे लेकिन थोड़ी देर सोच के चले कि थायरोक्सिन जैसे या एडेनिन आदि की पुष्टि प्रोटीन के सम्यक पाकवश उद्भूत अमीनो एसिड आदि के रूप से होती है। जठरा अग्नि और धातु अग्नि दुर्लभ हो तो दोषों का भी प्रकोप होता है, कारण जठरा अग्नि के दुर्लभ से अन्नपान किट ही अधिक मात्रा में बनता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वायु का जो क्या नाम है, किट का जो मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से मल है वो क्या है, अगर वो सब किट में ही कन्वर्ट हो रहा है ज्यादातर 70% जठराग्नि की दौर्बल वश, तो फिर उसके किट तो है ही है, का जो है पाक होगा तो फिर मतलब कहना चाहिए जो एक प्रकार से वो फिर उसका मल क्या है, अभी बोल दिया किसी ने सर, वायु। तो वायु की पुष्टि किससे होती है, तो हम कहेंगे कि आहार के किट भाग से वायु की पुष्टि होती है। जब आहार के किट भाग से वायु की पुष्टि होती है तो जब किट भाग ज्यादा बनेगा तो वायु भी ज्यादा बनेगी, और वो वायु ज्यादा नहीं बनेगी जिसको आप अपान वायु बोलते हैं, यहां पर ये विशेष रूप ध्यान रखने की जरूरत है।
अपान वायु की उससे दुष्टि तो होगी, क्योंकि अपान वायु के जो पोषक तत्व हैं जिससे अपान वायु शुद्ध रूप में बनकर पित्त जो पुरीषधर कला है उसके अंदर रहती है, और जो वायु बार बार पास होती है वो कौन सी वायु है, तब हम क्या कहेंगे वो वायु कौन सी है? वो वायु वो है जो अन्नपान पूरी तरह से पचित हुआ नहीं, जठराग्नि मंद है और किट जो है वो पक्वाशा में भेज दिया जा रहा है, और उससे वायु का जो निर्माण हो रहा है कि वायु का जो मतलब कहना चाहिए एक पुष्टि जो हो रही है वो उस रूप में नहीं हो रही, अन्यथा जो मल रूप में जो वायु निकल रही है वो वही वायु है जो किट से जिसका जो है वो अधिक मात्रा में बनना हो रहा है, उससे जो हमारी उदान वायु है उसका कर्म अभी भी निर्दिष्ट है, यह सोचने की जरूरत है, उसका कर्म अभी भी निर्दिष्ट है, वो प्रकुपित मात्रा में अभी आई ही नहीं है क्योंकि अभी उसकी दुष्टि नहीं हुई है। जब पेशेंट हमारे पास एकाध लेके आता है, डॉक्टर साहब गैस बड़ी बनती है, उन्हें पास होती है? उन्हें हाँ बहुत पास होती है। तो सवाल इस बात का है कि जब वो पास हो रही है और अपान वायु का कर्म है कि मल मूत्र को बाहर निकालना, तो फिर वो निकाल रही है, और जब वो निकाल रही है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं और वायु अगर बढ़ गई, अपान वायु अगर प्रकुपित हो गई, तो हम पीछे ही पड़ के आए हैं कि वायु जब बढ़ती है शरीर के अंदर, यानी कि बढ़ने का मतलब जब उसको रोध उत्पन्न होता है, जब वो मतलब कहना चाहिए उसके कार्य में विघ्नता उत्पन्न होती है, तो वो अंगों में स्थिरता पैदा कर वहां से मल मूत्र आदि शुक्र को वहीं पर रोक देती है, और वहां पर जो कृत रूप में वायु पैदा हो रही थी उसको वो बाहर निकाल रही है। तो हम अपान वायु की चिकित्सा करें या जठराग्नि की? जठराग्नि की सर, जठराग्नि की सर। और हम चिकित्सा किसकी करते हैं जो हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है? तो वायु ये सब है, यही चीज चिकित्सा करते हैं। और वहां पर हम ये भूल जाते हैं कि जो निकालने वाली है वो ठीक है, वो निकाल रही है, क्योंकि वहां पर किट रूप में किट बहुत बन गया, और बनने के कारण वहां पर जो बेकार वाली वायु थी जिसे मल रूप में कहा गया है वो उसको बाहर निकाल रही है कि आप जाओ यहाँ से। लेकिन कुछ समय पश्चात फिर क्या होता है, जब अपान वायु दुष्ट होती है तो फिर उसी किट रूप वायु को वो रोक देती है, और रोकने के बाद एक रोग उत्पन्न होता है जिसे उदावर बोलते हैं। आ गया ही प्रोटीन के सम्मुख पाकवश उद्वित अमीनो एसिड के रूप में होती है। जठराग्नि और धात्वाग्नि दुर्बल हो तो दोषों का प्रकोप भी होता है, कारण जठराग्नि के दुर्लभ से अन्नपान किट ही अधिक बनता है, और इस किट से वायु भी एक होता है। और इसी प्रकार रस, आप समझते हो रसाग्नि दुर्लभ हो गई तो कब बनेगा, रक्ताग्नि दुर्लभ हो गई तो पित्त भी अधिक बनेगा, और कौन सा वाला पित्त? तो डॉक्टर हमारे श्रुति जी निगम है शायद, नहीं लगा सर, मल पित्त बनेगा ना? हाँ यस, ये चीज देखने की जरूरत है कि जब कहते हैं कि शरीर के अंदर पित्त बढ़ गया, भाई कौन सा पित्त बढ़ा है, तब हम कहेंगे वहां पर जो मल पित्त है वो बढ़ रहा है। अगर वो वाला पित्त बढ़ गया तो काम ही खराब हो जाएगा फिर। अभी तो मल पित्त बनना है, उस मल पित्त से संबंधित जो कामला आदि प्रभूत रोग होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, जो और पित्त डिजीजे हैं वो उत्पन्न होती हैं। हमारा जब वो वाला पित्त हमारा दुर्लभ होता है तो उसे जठराग्नि मंद होती है, और जठराग्नि जब उससे मंद होगी तो कहेंगे पित्त से अग्नि मंद हुई है, चिकित्सा उसकी होती है। ये मल रूप चिकित्सा जो होती है, जो मल से मल की चिकित्सा है, वो मल की चिकित्सा आप करें लेकिन मल बनने ना दें, इसलिए हमारे लिए अपना जो शुद्ध होता है उस पर कार्य करना होता है, और उसी की हम चिकित्सा इसलिए करते हैं कि आप ठीक हो, और यहाँ से जितने भी जो मल्लू बन रहे हैं इनको आप जो है उस ना बनने दें, और बने तो ये सामावस्था के अंदर बने, क्योंकि अंदर जाकर जो बेकार वाला पित्त है जिसको हम बद्ध पित्त बोलते हैं वो ज्यादा बनना है, और उसी को मल का है। ऐसे ही आगे अग्नियों की ये दुर्बलता पूरी इसके दर्शन से जानी जा सकती है, कारण जठराग्नि दुर्लभ हो तो पुरुष भी आम रहता है, अन्यथा ये पक् होता है, और पुरुष को पक् को देखकर अग्निया तथा दोषों को सांब की कल्पना की जा सकती है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में 93 श्लोक और 94 श्लोक जो वो आप जरा देख लें, आगे बढ़ता हूँ आप खोल लें उसका वो बताता हूँ।
श्लोक क्या है? मज्जत्यामा गुरुत्याद बिट पक्वा सुत लिपटते जले बिना अति द्रव संघात सैत सलेस्मस प्रदूषणात परीक्षेव्य पुरा श्यामम निरामम श्याम दूषणाम विवदनो पाचरेत संवेक पाचने ने करेण या चरक चिकित्सा स्थान 15 बटे 15 अध्याय 15 श्लोक नंबर 93 से 94 तक। देख लें एक बार, देख लें क्योंकि जिस जिसके पास है उसको बहुत जरूरी है और जिस सबके पास होनी चाहिए। सब लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दें क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए आप निशान तो लगा सकते हो और वहां पर नोट्स बना के लिख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। एक दूसरे से संबंध बना के आप आराम से लिख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम ये पढ़ेंगे तो फिर हमको ये पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ेंगे तो हमको, एक सीरीज है उसकी और वो चरक वो हमारी संहिताओं में बिखरी हुई है। बस इतना है, हमको उसको एकत्रित करना है। हमारे गुरु जी ने और मैंने भी उसको एकत्रित किया है। आप सोच रहे हो कि हर किसी का श्लोक कैसे बोल देते हैं, तो उसको एकत्रित किया गया है। गुरु जी ने भी निकाला और फिर मैंने भी पढ़ा और फिर उसको निकाला, एक आध मैंने भी ऐड किया कि यहाँ पर ये चीज जरूरी है, इसको ऐड कर देते हैं। जैसे मेरे गुरु जी ने सुश्रुत उत्तर तंत्र में दे दिया था लेकिन अष्टांग निदान का नहीं दिया था, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पर मैं इसको भी ऐड करता हूँ। तब सुश्रुत उत्तर स्थान में फिर इसी को लेकर सुश्रुत जी ने अध्याय 40 में 17वां और 18वां जो श्लोक लिखा वो लिखा, संसृष्टेमेव भेदो तेष्यति नय स्तंभ एबुदा दीत पुरीशम भ्रस दुर्गंति पिछलम चाम संगकम अतेनवेव तू लिंगानि विप्रातनानि यस तू लागवम च मनुष्यस तस्य पक्कम बिन निर्देशित। इसको मैं नीचे पूरा बताऊंगा आपको क्या है। अष्टांग संग्रह में एक जगह लिखा हुआ है, उसको मैंने इसमें कर दिया है और वो अष्टांग संग्रह निदान स्थान में अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 है। ये आप जो है इसको देख लें, इसमें लिखा हुआ है और इसमें कफ का पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से जो है कफ। मैं इसको पूरा अब आपको बताता हूं कि किस तरह से उसकी परीक्षा की जाती है। आम और कफ तो वहां भी होते हैं, कफ के अन्य गुणों के सदृश आम में गुरुत्व होता है। आम जनित इस गुरुत्व के कारण आम पुरीष को जल में छोड़ा जाए। ठीक है, अब जल में छोड़ा जाने का मतलब यह है कि आप पेशेंट से एक पर्सनली लें या कोई कंटेनर लें, उस कंटेनर में फिर आप उसको, जैसे हम लोग कभी जब पंचकर्म करते हैं तो प्रत्येक मरीज की हम ये परीक्षा जरूर करते हैं अपने हाथ से। हमें लेबोरेटरी से ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है, उस समय उतना ही मतलब होता है कि इसके एलएफटी करा लो एक बार और इसकी सीबीसी जा करा के देखते हैं, बस उतना मतलब होता है। बाकी जो हमारी शुरुआत हमारी सीधे वहीं से होती है कि दीपन पाचन पहले करने से पहले सिर्फ केवल ये होती है कि आप जो है अपना कंटेनर ले जाओ, उसमें मल लाओ, फिर उसको सीधे सीधे टूब में डाला, पानी ऊपर से डाला और हल्के से उसको ऊपर से छोड़ा, फिर देखा स्टैंड पर रखकर, फिर उसकी देखते हैं कि ये आम है क्या है, उसी के आधार पर तय करते हैं कि इसका आम है तो सबसे पहले 3 दिन नहीं 4 दिन नहीं 5 दिन नहीं जब तक उसका दीपन पाचन ठीक तरह से नहीं होता है तो वो उसकी जो हम परीक्षा करते हैं वो उसी से करते हैं और उसके बाद फिर उसको घी घृत पान वगैरह आदि का सेवन कराते हैं। और यही कारण है कि मेरे यहाँ किसी भी आज तक मैंने 500-700 ml घी पिला दिया है पेशेंट को, 4-5 दिन में किसी को कोई उपद्रव नहीं हुआ। गुरुत्व के कारण आप आम पुरुष को जल में छोड़ा जाए यानी चिकित्सक छोड़े तो वह नीचे बैठ जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा ब्राह्म लगाएं कि ये किस किस स्थिति में नीचे बैठेगा। आमता जितनी ही होगी उतनी ही वह नीचे बैठ जाएगा और ये समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आम पुरीस अत दुर्गंध युक्त, अब यहां पर दूसरी चीज है कि आपने दुर्गंध युक्त को कैसे महसूस करेंगे। आपने कंटेनर तो भेज दिया, अब कंटेनर भेजने के बाद जब तक वो आपके पास लाया तब तक उसकी दुर्गंधता उस रूप में नहीं रही जिस रूप में वो उस समय मतलब कहना चाहिए जिससे वो मोशन गया था। लेकिन पेशेंट से एक बात और कह दी जाती है कि जब आपको आम जब आप जाएं
तो आप हमको दो चीजें बताएंगे कि आपके मल में दुर्गंधता है या नहीं है। अगर वो पहले ही बता रहे डॉक्टर साहब बड़ी दुर्गंधता है, तो आप निश्चिंत हो जाए कि दुर्गंधता तो है ही है, लेकिन अब हम ये देख लें कि इसमें आम कितना है। इसके अतिरिक्त आम पुरुष अत दुर्गंधयुक्त होता है और ये दुर्गंध भी आमता के कारण। अब दुर्गंध का यहां पर क्या कौन सा दोष हो सकता है, कोई बताएंगे मुझे? सर पित्त के वजह से होगा, पको पित्त से होता है ना गंध। पित्त का कौन सा गुण? विश्र, विश्र गुण, ठीक है, पूर्ति गंध उसका। तो फिर वो जो पित्त है वो आम है या निराम है? अब पित्त पे आ जाते हैं सीधे, अगर दुर्गंध है उसके अंदर तो फिर वो पित्त आम है या निराम? नहीं आम, आम है सर, आम है सर। यानी कि पित्त ही आम है, जब वो आम है तो उसका कलर ही चेंज हो सकता है, हो सकता है वो पित्त जो है हरा पीला यानी कि, और उसका जो रस है वो हो सकता है कि उसका रस तिक्त रस हो और आम से पहले से ही वो मतलब कहना चाहिए संयुक्त है, और जब वो संयुक्त आम से है तो वो पाचक पित्त को द्रव रूप में कैसे लाकर वो सही काम उससे करा सकता है? तो वहां पर क्या होगा, जब वो सही काम करा नहीं सकता और हमारी आंत से जब नीचे आएगा और उसके अंदर आम है पहले से ही और वो पक्व पित्त है ही नहीं, पक्व पित्त का मतलब आमज पित्त है, तो वहां पर वो फर्मेंटेशन करेगा और फलस्वरूप क्या होगा, जो मल होगा उसका वो कैसा होगा, दुर्गंधयुक्त होगा। दोष हमको भी पता चल गया, एक में था कफ, दूसरे में हो गया पित्त, अब तीसरे में देखते हैं इसका और भी आ गया। दुर्लभ यानी कि आमता के अनुरूप प्रमाण में होती है दुर्गंध, अगर होता है तो ये दुर्गंध भी आमता के अनुरूप प्रमाण में होती है। व्यवसाय में डूबने की परीक्षा साक होने से, मतलब व्यवसाय में डूबने की परीक्षा साक होने से, प्रश्न परीक्षा द्वारा दुर्गंध के ज्ञान से ही पुरुष की समता का निश्चय किया जाता है। डूबने की साक का मतलब हमारे पास जो कमोड बने हुए हैं, आज जो कमोड बने हुए हैं उन कमोडों को कहा गया है कि व्यवसाय में, यानी कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे कमोड में नीचे हम झांक के तो देख नहीं सकते, उसमें जो वैसी वाली हमारी इंडियन होती थी उस इंडियन में ये पता चलता था कि आम जो है वो हमारा मल डूब रहा है या नहीं डूब रहा है, उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साक ना होने से प्रश्न परीक्षा द्वारा दुर्गंध के ज्ञान से ही पुरुष की समता का निश्चय किया जाता है। आम पुरीस अल्प और अल्पांशांश थोड़ा थोड़ा करके प्रवृत्त विच्छिन्न होता है। आम किससे? आम पुरीस अल्प अल्प थोड़ा करके प्रवृत्त विच्छिन्न होता है। अब यहां पर देखिए वायु आ गई, पहले क्या था कफ, फिर आ गया पित्त, अब आ गई वायु, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, अल्प अल्प थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। पेशेंट हमको क्या कंप्लेंट दे रहा है? पेशेंट कंप्लेंट ये दे रहा है पुरीस आटो, पुरीस जो है विशब्द यानी कि उदर में जकड़ाहट, सूल और हल्लास से पीड़ित होता है। मल पक्व हो, अब यहां से सीधे सीधे मल की जो पक्वता है उसको दर्शा रहे हैं हम, तीन दोषों के द्वारा उसको समझ आ गए कि कफ में ये होगा, पित्त में सुगंध होगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके तीन चार बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मनुष्य कहता है कि सुबह से उठ के ना डॉक्टर साहब दो तीन बार जाना पड़ता है यार, मतलब जब तक दो तीन बार जाओ ना तब तक पूरा दिन खराब रहता है। अब वहां पर आप सोच रहे हैं पता नहीं इसको गृहिणी है, इसको कौन सा ना है, इसको क्या कह सकते हैं, और वो इसकी शिकायत बहुत है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करने का मतलब ये नहीं कि वो बैठा रहता है बहुत देर तक, तो थोड़ा थोड़ा तब भी आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो आ गया फिर उसको लगा फिर चला गया, आ गया फिर उसको लगा फिर चला गया। तो थोड़ा थोड़ा करके जो मल होता है वो जो है आता है और वो बताता है कि अपने लक्षण बताता है कि पुरुष जो है, पुरुष 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 जो है मतलब व्यक्ति आटोप से विशब्द उधर में जकड़ाहट सूट और हिलाव ये उसको होता है। जबकि हम पूरे देख के आए थे उसमें लक्षण नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पर वायु के लक्षण इसलिए बता दिए गए हैं क्योंकि उन दोनों जो ऊपर हम करके आए हैं
आमज है पित्त आम या कफ के द्वारा या पित्त के कारण जो है उनसे डिफरेंशिएट अच्छी तरह से हो जाए ताकि वो इसको इसमें ना जुड़ बैठे। आगे निराम और पक्व मल के लक्षणों में कहा जाएगा साम मल युक्त पुरुष के शरीर में, यानी कि जो साम मल युक्त पुरुष के शरीर में और मन में इसके विपरीत गौरव गुण तंद्रा आलस जो आवेश होता है और जो हमारा मल पक होता है उसमें एक विशेषता होती है कि शरीर में लाघव होता है, यानी मजा आ गया, कहते हैं ना अरे आज मजा आ गया, लाओ कुछ खाते हैं, बहुत बढ़िया तरह से पेट साफ हो गया और कोई दिक्कत नहीं है और अब सात आठ दिन, तो उस स्थिति में शरीर में जो है लघुता उत्पन्न होगी। और इसके विपरीत जो है अगर ऐसा कुछ है इन तीनों दोषों से तो फिर इसके विपरीत गौरव है तंद्रा है आलस्य है, ये सब जो है जितने भी लक्षण हैं वो हमारे शाम मल के हैं। गुरु और पिक्षिल ये तो कफ होगा ना, अगर कफ होगा उसमें तो हाँ हाँ गुरु और पिक्षिल कफ हो गया, आम को कह सकते हैं। गुरु जी लघुता कितने समय बाद आ जाएगी बॉडी के अंदर? लघुता तो एक दिन में आ जाती है लेकिन उसकी कॉन्टिन्यूटी अगर सात आठ दिन तक बनी रहती है तो फिर हम समझ लेते हैं कि हमारा जो मल है अब वो ठीक हो गया है, निराम हो गया है, उसमें कोई मल नहीं है, अर्थात हम उससे तय कर सकते हैं कि इसकी जठराग्नि प्रदीप्त तो हो गई है। सर सर नमस्कार जी। नमस्कार, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी जी जो. बोल रहा हूँ कि मेरे को जो मल की जो बहुत सारी वैरायटी है वायु पित्त कफ के हिसाब से वो आपने एक बार बताया था सर, मैं लिख नहीं पाया था और वो खोज रहा हूँ मिल नहीं पा रहा है, अगर संभव हो तो एक बार बताएंगे उसके बारे में। साथ में एक चीज और बताइए, यहाँ जो जो हिरलास बोलते हैं ये क्या नौशिया का बोलते हैं क्या? हाँ हिरलास नौशिया नौशिया को बोलते हैं। सर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं ना कि जैसे कि आमज मल बोलते हैं लेकिन सारे दिन में मैंने एक बोलते हैं कि हमको कंट्रोल नहीं होता, एक बार में हम जाएं उसके पहले कपड़े में निकल जाता है। कुछ बोलता है कि मैं 5-6 बार जा रहा हूँ अच्छे से हो रहा है, कुछ बोल रहा है कि हम सुबह जा रहे हैं 2-3 बार जा रहे हैं, कुछ बोल रहा है कि हम जाते हैं मेरे को बैठना पड़ता है लेकिन मल का वेग 4-5 बार आता है तब जा करके थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। एक पेशेंट बोलता है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन लास्ट में आता है लेकिन काफी देर बैठना होता है, और एक बोलता है कि मेरे को ऐसे मल के ऊपर में ही एक बार जरा कभी डिटेल में थोड़ा सा क्लास लीजिए। नहीं वो और दूसरा क्वेश्चन, हाँ हाँ सर बताइए। बताओ आप बताओ, एक एक करके मैं सबको करता चला। सर एक दूसरा है विपाक को थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताएं सर। और अच्छा विपाक तो वीर्य विपाक का थोड़ा सा डिटेल में बताएं। अच्छा अच्छा वीर्य विपाक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते सर। हाँ जी ये वाला थोड़ा एक दिन कर लीजिए वीर्य विपाक वाला। चलो फिर इसके बाद इसको कर लेते हैं लेकिन ध्यान दिलवा देना क्योंकि अच्छा मैं थोड़ा बहुत ही डिटेल में जानना है और साथ में अनुरस के बारे में भी जानना। इसका जहां तक मुझे क्लिनिकल मैं करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है आपसे कि ये बड़े आराम से हिस्ट्री ली जाती है और खासकर जो पेट के रोगी होते हैं और जो छोटी सी रोग को समझ के हमारे पास आते हैं टक्करे खा के आते हैं लेकिन वो समझते उसको छोटा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि डॉक्टर साहब मल मेरा जो है मैं सुबह जब जाता हूँ तो फिर एक बार जाता हूँ फिर थोड़ी सी चाय पीता हूँ फिर जाता हूँ फिर मैं फिर जाता हूँ, इस तरह से मुझे 3-4 बार जाना पड़ता है। यहाँ आचार्य उन्हें जब मल के वायु के द्वारा जब ये कहा गया है कि रुक रुक कर मतलब कहना चाहिए मल जो है वो थोड़ी थोड़ी उसमें आएगा तो यहाँ पर काल निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ना ही उसका समय निर्दिष्ट किया गया है और ना ही उसका जो मतलब कहना चाहिए किसके बाद क्या होगा ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सीधी सी भाषा में ये लिख दिया है कि मल जो है वो रुक रुक कर आएगा, रुक रुक कर मतलब एक समय भी रुक रुक कर आ सकता है, जैसे बहुत से पेशेंट बैठे रहते हैं अखबार लेके तो वो भी वायु पे लागू होगा। बहुत से पेशेंट कहते हैं कि मेरे को मल जो है वो 3-4 बार में आता है तब मैं संतुष्ट होता हूँ, वो भी वायु क्योंकि वायु का। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि वायु आकर थोड़ा थोड़ा करके क्यों निकाल रही है उसके लिए, तब वहां पर हमको समझना चाहिए कि जो वायु है वो वहां पर अपनी मतलब कहना चाहिए एक वृद्धि की स्थिति में प्राप्त है और वो वृद्धि की स्थिति में जब प्राप्त होती है तो कहा गया है कि जब वो वृद्ध होगी तो अपने जो नैसर्गिक कर्म है उसके जो मलों को बाहर निकालना है
पूरे शरीर में मत लगना चाहिए, सभी सब वायुओं को कंट्रोल करना है, फिर वो सब डिस्टर्ब होते हैं। और सबसे पहले वो मल, अब वो किसी रूप में हो, चाहे वो शुक्र रूप में हो, चाहे वो हमारे मल रूप में हो, चाहे वो हमारे मूत्र रूप में हो, किसी भी रूप में मल हो, चाहे हमारे श्वेत रूप में हो, चाहे हमारे आंख के मल के रूप में हो, चाहे अश्रु के रूप में हो, किसी भी मल के रूप में हो रहे हैं अगर वो, और वो रुक रुक के निकल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को जब ठंडी हवा लगती है, जब मैं गाड़ी में चलता हूँ और ठंडी हवा लगती है, तब जो है मेरी आंखों में आंसू आते हैं, वो भी इसी प्रकार का एक, तभी आचार्यों ने जब, अब इसके आगे जब हम करेंगे तो फिर उन्होंने इसी के साथ में उदावर्त को जोड़ दिया है सीधे सीधे, और सीधे कह दिया है कि यही जो चीज है इस चीज से ही उदावर्त होता है, और उदावर्त शुरू ही पक्वा सह से होता है, और वो पक्वा सह का जब उदावर्त होता है तो उसी से सर्व रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। और उसका मूल बताया है कि जठराग्नि की परीक्षा पुरी से करना चाहिए, अर्थात उल्टे जब घूम के आए तो आए सीधे जठराग्नि पर गए, यानी कि पहले संप्राप्ति पूरी बताते हुए एंड में उस पॉइंट को मतलब कहना चाहिए उन्होंने जो मतलब कहना चाहिए टारगेट किया, वो सीधे टारगेट किया कि आपकी जठराग्नि किसी भी दोष के कारण मंद है, इसलिए आपको ये स्थिति आ रही है। अगर 13 प्रकार के उदावर्त में कोई भी उदावर्त का रोग अगर नहीं है आपके लिए, तो दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो आपको हो जाए। यहां तक आचार्य ने कह दिया है कोई रोग उस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता जिस रोग जिस में उदावर्त की 13 प्रकार के उदावर्त सुश्रुत ने कहे, चरक ने सिर्फ केवल एक ही उदावर्त कहा है, और वो भी कहा है अपान वायु का उदावर्त, बस उसी को लेके वहां पर उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन सुश्रुत ने 13 प्रकार के उदावर्तों का वर्णन किया है। तो वहां पर अगर हम समय देखें कि दिन में 3 बार या 4 बार जा रहा है ये, तब भी वहां पर वायु ही है, ना तो दुर्गंधता है ना और कुछ है, लेकिन जब भी, हाँ अगर पेशेंट ये कंप्लेंट करता है इसके अलावा भी मेरे पास कुछ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बताइए, तो अगर कहीं ब्लड आ रहा है, अगर कहीं कोई चिकनाहट आ रही है, कोई किसी तरह से मल प्रवृत्ति आपकी पतली टाइप की हो रही है, कभी मतलब कहना चाहिए गाढ़ स्थिति में आ जाती है, कभी पतला हो जाता है, और कभी उसकी टाइमिंग सुबह सुबह ज्यादा होती है, शाम को कम हो जाती है, शाम को ज्यादा होती है, सुबह को कम हो जाती है, तो फिर वहां पर जो हम चिकित्सा पढ़ते इसका करते चले आ रहे हैं कि गृहिणी को समझने के लिए हर तरह से आपको पूरे सब्जेक्ट में मतलब जी घुसना पड़ेगा, और इसलिए आचार्य उन्हें 15 अध्याय लिखने के बाद फिर जो है गृहिणी दी है। और मजे की बात ये देखिए कि सूत्र 30 अध्याय सूत्र स्थान के हैं, उसमें कोई एक ऐसा अध्याय नहीं है जिसमें गृहिणी का नाम नहीं लिया गया है, सब जगह गृहिणी का नाम लिया गया है। 30 अध्यायों में 2-3 जगह गृहिणी को उन्होंने निर्दिष्ट कर दिया है कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। बस समझने की जरूरत है कि 30 अध्यायों में ये गृहिणी की जो चाल चली एक प्रकार से, ठीक है, ये क्या आवश्यकता थी इसकी, और कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, और कोई चीज नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सब 30 अध्याय में गृहिणी को ही टारगेट कर रखा है। तो आपका जो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जो आंसर है वो यही है, क्योंकि मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ऐसे ही आते हैं, डॉक्टर साहब मल ऐसा हो रहा है, मल ऐसा हो रहा है, मल ऐसा हो रहा है, सीधे एकदम वायु के द्वार पर, वायु के द्वारा मंदाग्नि हो रही है, इसको ठीक कर दो। बहुत बढ़िया। मैं तो कल कह रहा था सर आपसे कि ग्रहणी ये सब जिसको ठीक रखोगे तो रोग होंगे नहीं उसको। जी जी जी, समय कहीं ना कहीं थोड़ी ग्रहणी मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं फिर। सर यहाँ मेरे दो पेशेंट का क्वेश्चन है सर, कि पेशेंट जो है 2-3 पेशेंट ऐसे, एक पेशेंट को बीपी है, हाइपरटेंशन, शुगर है, और साथ में कांस्टेंट लूज मोशन होता है। एक पेशेंट है उसका भी यही है, एक ओल्ड एज का है, एक यंग एज का है। तो और इसमें सर मैंने जैसे रोगों का सब देखा, तो उसमें कौन सा दोष बढ़ा होगा, इस हिसाब से निकाला तो दोनों का ही पित्त का निकलता है। लेकिन एक जो बुजुर्ग महिला है वो आम युक्त है और अनकंट्रोल उसका पैसेज अब स्टूल है। ये 2 पेशेंट से काफी परेशान हो रखा हूँ। और पेशेंट है डायबिटीज का, तो मीठा नहीं दे सकता, मुस्तकारिश वगैरह नहीं दे सकता, सिरप नहीं लेना चाहते, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको जो डायबिटीज है वो डायबिटीज के लिए आप उन्हें वो दो ना आरग्ध, आरग्ध दो, आरग्ध ना सर। हाँ आरग्ध। हाँ देखो उसमें आप 3 ड्रग दे दो, अगर ये कंप्लेंट 15 दिन में ही उनकी हट जाएगी। खतरा दी कसा है,
आरब्ध महात्म जी सर। जी सर। और इंसुलिन टेबलेट तीन तीन गोली दे देना, उनसे कहना आप ये खाओ। इंसुलिन मिलता नहीं सर, नहीं मिलता इंसुलिन मिलता नहीं सर, कलकत्ता में मिलता नहीं। बैट्सबिन मिलता है, बैट्सबिन सर स्पेलिंग बोले प्लीज। BETSWIN हेलो सर, इंसुलिन में क्या है मतलब? ये डायबिटीज के लिए क्या मामा जी करते हैं जी? अच्छा मामा जी वा, हाँ माम जक, हाँ वो ज्यादा मात्रा में दे रही है ना उसमें। हाँ तो उसके लिए तो और भी आते हैं शायद, बता दो। ऊंझा की भी आती है, ऊंझा की आती है मामा जीवा घनवटी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो दे दें माम जक। हाँ वो देता जी। ये तीन ड्रग दे दूंगी, 15 दिन में जो शुगर वाले मरीज है उनकी समस्या हट जाएगी। हेलो सर, जैसे अभी आपने यहाँ पे वात के कारण मंदाग्नि की ये लक्षण बताए, हेलो सर, ऐसे ही फिर बाकी और भी जो कंप्लेन आती है उनका इसी के साथ बता दीजिए सर। सर जैसे ये आपने कल बताया था कि पहले हार्ड आ रहा है बाद में सॉफ्ट आ रहा है, तो उसका मतलब उसका पूरी शाग्नि वहां पे शोषण कर रही है। हाँ हाँ, तो इसके इसके हाँ, तो सर ऐसे ही सर मेरा कहने का सर एक साथ आप इसी टाइम पे सर वो तीन चार इकट्ठे सर एक बता दीजिए, तो सर हम पेशेंट को इजी हो जाएगा ना कि हम कैसा आ रहा है तो हमें समझने में। अच्छा डिफरेंशिएट कैसे करें है? जी सर, जी सर। अच्छा चलो एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो डॉक्टर साहब आपका दूसरा प्रश्न कौन सा था सर? मैंने एक प्रश्न था कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको चार पांच डिजीज एक साथ रहता है, थायराइड है, शुगर है, प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये तो आम बात है कि साथ में मोटापा है, फीमेल है तो कोई मेंस के भी प्रॉब्लम आती। ये जो शुगर है वो पित्त के द्रव गुण से ही है, वो आपको थायराइड की जो डिजीज है वो भी पित्त के द्रव गुण उसमें मुख्य घटक के रूप में आते हैं, प्रेशर है तो उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण ही होते हैं। तो इन सब में अगर केवल पित्त की चिकित्सा सोच करके करें तो क्या पेशेंट का तीनों रोग एक साथ घट सकते हैं? तो अगर हम जैसे कि किसी को शुगर है, हाइपो थायराइडिज्म है, तो इसमें जो है वो तिक्त रस का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा केवल मैंने पित्त के लिए तिक्त रस का विशेष प्रयोग करेंगे तो दोनों रोग एक साथ घट सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जो तो ऐसा कोई विशेष जगह जो कि ये माने मतलब दोनों तीनों डिजीज चारों डिजीज में डायरेक्ट काम करे, ऐसे ड्रग्स के कुछ एग्जांपल सर बताएं प्लीज। हाँ, दोनों तीनों के ऊपर एक साथ काम कर, मैं बता देता, ड्रग भी बताएं और सिंगल ड्रग्स वगैरह भी बताना चाहे तो भी बताएं, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस तो भरे पड़े हैं पूरे। और कोई बताना चाहे तो बताएं। देखो इसमें ऐसा है ना, जो तिक्त रस है वो तिक्त रस हमको एकदम वो लेने, जैसे पंच तिक्त कसाय ले लिया हमने जी सर, ठीक है, उसमें पांचों तिक्त रस दे दिए उन्होंने, गिलोय चिराता ये सब, ठीक जी सर। अब हमने दूसरा जो तिक्त रस वो चुना तो वो हमने उसको महासुदर्शन काढ़ा दे दिया जी सर, ठीक है, ये दूसरा हमारा तिक्त रस हो गया। तीसरा जो हमारा तिक्त रस है वो हमने उसको तिक्त रस के साथ में जो है, वैसे वो भी तिक्त रस ही है, तिक्त रस जैसे आरग्ध महातिक्तम कसाय की टेबलेट आती है या सीरप आता है या सीधे आरग्ध आता है वो तिक्त रस है जी सर। चौथा हो गया हमारा जैसे निम्बादि कसाय है वो तिक्त रस जी सर, पटोल मूलादि क्वाथ है वो तिक्त रस है जी सर, कुटकी या मतलब कहना चाहिए जो हमारे जिसे दूसरी भाषा में मैं तो नहीं बोलता उसके लिए जैसे कुटकी है, ठीक है, वो अगर सिंगल ड्रग में देना चाहे सिंगल ड्रग में दे दें, वो भी तिक्त रस है। और फिर उसके साथ में जो और बढ़िया अगर आप तिक्त रस देना चाहते हैं कि मेरे को अच्छा तिक्त रस देना है, तो फिर कचूर,
सटी हाँ सर सटी 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 को अक्सर सटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सटी एक ऐसा ड्रग है जिसको हम ज्यादातर यूज जो है वो ऐसे स्रोतस में करते हैं जहां बहुत माइन्यूट स्रोतस होते हैं, दवाइयां पच जाने में भी वहां पर अपने को मतलब कहना चाहिए उन्हें वो करना पड़ता है। अक्सर जो है लंग्स डिजीज में कचूर का प्रयोग करते हैं, सटी का प्रयोग करते हैं। अगर हम ऐसे स्रोतस में करें जहां पर बहुत ज्यादा माइन्यूट स्रोत है, तो अगर हम कहीं अगर उसके जो मधुर रस है उसके पाचन के लिए अगर हम ब्रेन में अगर इसका यूज करें तो बहुत बढ़िया यूज होता है। ब्रेन में अगर जैसे किसी को अवसाद वगैरह हो रहा है या वहां पर स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो ब्रेन हमारी जो तर्पक कफ है उस तर्पक कफ पे अगर हम उसको कचूर को देते हैं और वो गाढ़ा हो गया है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा गाढ़ी हो गई है, पतली हो गई है, प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पर कचूर का प्रयोग करेंगे। उस प्रेशर के कारण मनुष्य को भ्रम वगैरह ये सब जो है दुनिया भर के जो होते हैं, तो वहां पर अगर ये यूज करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। सर प्लूरल इन्फ्यूजन में भी कर सकते हैं? प्लूरल इन्फ्यूजन में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। ठीक है, प्लूरल इन्फ्यूजन जिसको होता है उसको बहुत बढ़िया काम करता है। और कचूर की विशेषता होती है कि जहाँ बहुत ज्यादा ऐसे स्रोत होते हैं जहां पर हमको खोलना मुश्किल हो जाता है, तो उस कचूर का हम लेप लगाते हैं। जैसे किसी को ऑस्टियो एक प्रकार से, बल्कि उसे चाहे जिस स्थिति में ले लो आप, ऑस्टियोपोरोसिस ले लो या किसी का अस्थि क्षय ले लो, या अस्थि क्षय के कारण जैसे कि हमारी किसी के घुटना वुटना अगर चेंज करना हो गया है और उसको अब हो गया है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है तो अगर कचूर का उसमें लेप लगा दें तो वो स्रोतस के अंदर जाकर वहां पर जो स्रोतस बंद हुए हैं जिनको अंतर्मुखी स्रोतस कहते हैं उन स्रोतों को जाके खोलता है। ऑस्टियोफाइट के डेवलपमेंट में कह रहे हैं आप सर? जो ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होते हैं बोन्स की साइड्स में वहां, उस डेवलपमेंट के लिए कह रहे हैं? हाँ, उस डेवलपमेंट के लिए उसमें मेथी मिला के दे देते हैं, मेथी चूर्ण मिला के दे देते हैं। सर कितने दिन में कचूर से ये कितने दिन में रिजल्ट आने लगता है? और कचूर अगर जैसे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इसको मतलब एक प्रकार से दहा नहीं है और उसकी स्किन ऐसी लग रही है बिल्कुल चिकनी एकदम और ठंडापन उसका महसूस हो रहा है, तो अगर हम उसमें कचूर का लेप कर देते हैं, कचूर और लेप, कचूर का लेप ऐसे नहीं होता है, कचूर का लेप में कोई मोटी परत नहीं बनानी होती है, कचूर के लेप हम ना जैसे थोड़ा सा एक चम्मच घोला और उसको बढ़िया तरह से उसको घोटना, थोड़ा सा मतलब लगता है 15-20 मिनट लगते हैं उसको, बिल्कुल एकदम जैसे गोंद टाइप का हो जाता है बाद में, वो गोंद टाइप का जिस तरह से कोई लस्सी वगैरह बनाते हैं या बहुत देर तक, जैसे हमारा वो देखिए जो क्या बोलते हैं उसको स्वर्ण परासन बनाते हैं उसको घोटते रहते हैं, तो एक प्रकार से फिर वो तंतु में मतलब एमसी हो जाता है, फिर उसको छोड़ते हैं। इसी तरह से कचूर जब घुलता चला जाता है तो फिर और उसको दूध में फिर घोलते हैं, हल्के से दूध में घोलते हैं, क्योंकि तितरस होता है, लेप करना होता है वहां पर, किसी तरह से धाव उत्पन्न ना करे। अगर कहीं दोष उसके अंदर पित्त थोड़ा सा फंसा हुआ है और आपने उसको कर दिया, तो उसको काटने के लिए फिर उसको दूध में उसका पेस्ट टाइप का बनाकर हल्का हल्का एक पत्त टाइप की पूरे उसको लगा देते हैं और रात को लगा के फिर उसको सो जाते हैं। 15 दिन करिएगा, 15 दिन करने के बाद जो अंतर्मुखी स्रोतस होते हैं जिनको मतलब स्नायु तक में वो चले जाते हैं, कभी कभी लिगामेंट इंजरी भी हो जाती है, तो उस लिगामेंट इंजरी में भी हम कचूर को लगाते हैं ताकि लिगामेंट इंजरी में जो वहां पर वायु है और वायु किसी कारण से वहां पर अपघात के कारण रुकी हुई है तो उसको भी वहां ले जाता है। ये मैं उस चीज को बता रहा हूँ जो मैं अपने क्लिनिकल प्रयोग में एक चीज को सामने उसको रख के कि कचूर को हम लंग्स के अंदर जहाँ रुई टाइप के बहुत छोटे छोटे स्रोत होते हैं वहां ये प्रवेश कर जाता है, तो फिर वहां प्रवेश क्यों नहीं कर सकता जहां पर जो है वो हमारे जो स्रोत होते हैं पैर में या कहीं जो है वो ऑस्टियोफाइट की है, ऑस्टियो अर्थराइटिस की है, ऑस्टियोपोरोसिस की जहाँ कंडीशन आती है वहां पर स्रोत को खोलने के लिए फिर हम इसका लेप करवा देते हैं, और लेप कराने के बाद फिर स्रोतस खुल जाते हैं तो वहां पर एकदम ड्रेन जैसी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी सूजन उतरती है, तो समझ में आ जाता है कि स्रोतस अंदर के खुल गए, अब हमको वहां पर केवल सेल्स का डेवलपमेंट करना है, वो हम किसी भी तरह से करें, कोई युक्ति लगाएं अलग बात है, लेकिन वहां स्रोतस खुलना ही, कहने का मतलब मैं फिर एक बार उसको रिपीट कर दे रहा हूँ,
कि कफ जो है हमेशा या पित्त हमेशा या वात हमेशा गमनागमन रहते हैं अपने स्रोतस में जाके अपना पोषण दे दबा के और फिर वो अपने यथा स्थान पर लौट के आते हैं और कहीं रुक गए वो तो फिर वहीं पर वो जो व्यापत्ति होती है उसको फिर जो उत्पन्न करते हैं रोग उत्पन्न करते हैं और वो रोग जो है अगर हम उसके अंतर्मुखी स्रोतस बाह्यमुखी स्रोतस दोनों को अगर हम खोल देते हैं तो फिर उसका गमनागमन शुरू हो जाता है और अंततः फिर जो है अंदर की जो सेल्स होती हैं जहाँ निर्माण होता है या जिनके द्वारा उनका पोषक अंश वहां पहुंचता है वो वहां पहुंचता है और फिर फाइनली वो सही रूप में कब बनता है वो ठीक होता जाता है। मेरे पास में एक दिल्ली का लड़का था रामपुर का, एम्स से फेल हुआ था, 3 बार जो है 4 बार 5 बार 6 बार कितनी बार उसका पानी निकाल दिया था। मोटी पार्टी थी तो हम जैसे डॉक्टरों के पास कौन आ रहा है, हार खा के किसी ने उसको बताया कि वहां चले जाओ। राजपुर लड़का बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास दौड़ दौड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं कराया, केवल कचूर का किया, बाकी जितनी भी औषधियां हैं वो सब दी और वो लड़का फर्स्ट क्लास हो गया। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप युक्ति लगाओ, और एक ऐसा नहीं है कोई ड्रग कहीं पर यूज कर रहा है तो नहीं जी हम तो वही देंगे वहीं पर देंगे, बाकी तो हम कहीं जगह देंगे नहीं, बाकी उसको देखो तो कि इसके स्रोत पे कैसे संप्राप्ति कर रहा है, कैसे संप्राप्ति वहां पर भंग कर रहा है। रस तो हमको पता ही है वो कब पे काम कर रही है, हमको मालूम है, लेकिन कब तो पूरे शरीर के अंदर छोटे बड़े स्रोत सब में है। तो युक्तिपूर्वक अगर चिकित्सा करें अच्छी बात है। तो क्या था उसको लड़के को, उसको क्या थी? वो जो लड़का था ना उसको गाउट जैसा हो गया था और पानी भर जाता था उसके घुटने में बार बार। ओके। तो वो एम्स में जाके जो है उसका करा रहे थे। अब कितनी बार पानी निकलवाया मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे समस्या बताई और वो 6 महीने में लड़का बिल्कुल एकदम फिट, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। सर ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इसमें सिला सिंदूर या मल सिंदूर में भी होता है क्या? वो भी शोधनाशक होता है, ओरस्तोए में जैसे एपिलेप्सी वगैरह रोगों में भी उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वैसे ही रिजल्ट सिला सिंदूर में भी अपने या मल सिंदूर में भी यूज होता है? हाँ मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, उनमें भी ये सब चीज होती है, लेकिन जो सिला सिंदूर और मल सिंदूर वगैरह होते हैं यहाँ पर आपको ये देख मुझे ये और आपको यही देखना होता है कि यहाँ पर वास्तविक दोष है क्या। अगर अगर वास्तविक दोष नहीं आप सिला सिंदूर यूज कर बैठे तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। सबको नहीं ले सकते ना सर सिंदूर की प्रॉपर्टी। ये चीज बहुत मतलब हाइड्रोसेफलस जी हाइड्रोसेफलस सर मेरा एक सर हाइड्रोसेफलस में भी हाँ बताइए बताइए सर वही सर हाइड्रोसेफलस हाइड्रोसेफलस में बता रहे हो ना कि हाइड्रोसेफलस में कचूर का लेप हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोसेफलस में वहां पर जो मतलब कहना चाहिए जो प्रेशर होता है उसका स्पाइनल फ्लूड का वो मतलब कहना चाहिए अधिक हो जाता है, कपूर स्रोत से तो खोलता है, क्यों नहीं कर सकते हम कचूर का? बस ये है कि आपको थोड़े से बाल उसके हटवाने पड़ेंगे, आप उसका लेप करिए कोई दिक्कत नहीं। सर हार्ट के ऊपर कर सकते हैं लेप है? हार्ट के ऊपर हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, मैं उसको अभी अलाउ नहीं करूंगा, मैंने किया नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा, अभी नहीं आना मुझे, मैंने किया है। सर वो जो फाइलेरिया या लिम्फेटिक ड्रेनेज वाला पेशेंट आया था सर उसमें भी कर सकते हैं क्योंकि हां ध्यान आ गया उसमें कर डॉक्टर साहब को भी बता दिया है लेकिन अभी करवाएंगे नहीं उनको, देखें क्या है मतलब कहना चाहिए, पहले वो खिला लें उसके बाद। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने मेरे फादर के केस में भी करचूर लिखा था, जो 21 पुड़िया बनाई थी उसमें करचूर था, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ मतलब उनको तो हम लोग ये दे ही रहे हैं तो उनकी सांस की तकलीफ तो ठीक हो गई बट सूजन तो नहीं गई उनके पांव की। हाँ तो वहां पर जो सूजन है ना वो हृदय के रस, मैं आपसे कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि वहां पर जो हृदय का रस और रक्त का बहाव है जो ऊपर की साइड में है ना वो हमको बढ़ाना है, और वो हम जब तक प्राणवय स्रोत को ठीक नहीं करेंगे, प्राणवय स्रोत का मतलब पूरा हार्ट और पूरा लंग्स, तब तक जो है वो मतलब वो रहेगी ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे उनका बाईपैप तो हटे, हम तो इंतजार ये कर रहे हैं कि किसी तरह से बाईपैप हटने का मतलब कि हमारा जो प्राणवय स्रोत है वो ठीक हो रहा है, तो हृदय को बल मिल जाएगा और फिर वो वहां से सक करना शुरू कर देगा उसका। राइट सर, कल उन्होंने मतलब रात को सोने के बाद बीच में एक बार हटाया था लेकिन 1 घंटा मुश्किल से हटाया, फिर से वापस लगाया। कल कोशिश की थी उन्होंने इस चीज की,
पर पूरी तरह से नहीं हुआ। अच्छा दूसरा सर, उनका मोशन ना अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है, मतलब जब तक वो कुछ लेते नहीं ना तब तक अपने आप से मोशन नहीं होता सुबह। अच्छा आपने वो एड्रेस डाल दिया ना मेरे को? मैं... हाँ जी सर दे चुकी मैं, ठीक है, मैं कल उसको बोलता हूँ, लड़का कर देगा, कल कर देगा। तो वो उसी चीज से ना बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे अभी आपने बोला कि ये रण तेल जो है कंटिन्यूस नहीं कर सकते हैं, तो वो उसकी जगह नित्यम टैबलेट ले लेते हैं कभी, तो वो ही चीज है कि अगर वो जैसे ही कैस्टर ऑयल की 3 चम्मच से 2 चम्मच करते हैं ना तो मोशन में इशू हो जाता है इनको। अच्छा तो आरक, में भी कैस्टर ऑयल था, आरक दिया था उनको? आरक दिया सर, एक दिन लिया उन्होंने, तो वो लेने के बाद बस वो बेचैनी ज्यादा हो गई तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा। चलो मैं उनसे बात करूंगा, आप मेरी बात कर लो। हाँ ठीक है सर, फिर मैं कंटिन्यू कर लीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे तिकतरस की लेते हैं अपन सुबह, तो कचूर के जैसे आरग ले रहे हैं, या अपने आपने जो अपना अनुभूत योग बताया दारू हल्दी कुटकी बयान वाला, तो उसमें कचूर को ऐड किया जा सकता है कि वो भी तिकतरस और पित्त की? ना ना, उसमें कचूर या एक्स्ट्रा अलग से ले सकते हैं, क्योंकि भाई स्रोतस की शुद्धि ले। हाँ अलग से ले सकते हैं, वो कोई अनुभूत योग नहीं है, अर्सोग्न भट्टी में पड़ा हुआ है ये, मैंने वो 4 निकाल लिए थे पेशेंट। ऐसा होता है ना डॉक्टर साहब, कभी कभी होता गया है कि हम सीधे सीधे किसी को बहुत, हालांकि महंगी नहीं है, लेकिन हम अर्सकुठार रस या वो क्या नाम अर्सोग्न भट्टी देते हैं ना, तो पेशेंट जो है एक प्रकार से वो सोचता है अरे पता नहीं डॉक्टर साहब ने ये बवासीर की दवाई लिख दी है उसको। जब हम ये चीज होती वही है, जब हम उसको ये चीज दे देते हैं कहता पता नहीं यार क्या दे रही है ये, तो बहुत, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उस ड्रग को कैसे यूज करें। आजकल ये जो अर्सोग्न भट्टियां हैं ये सब जितनी भी है ना, ये पायल और ये सब, ये हर मेडिकल स्टोर पे मैं समझता हूँ हर आदमी जानता है, और मेडिकल स्टोर वाला उठवा के दे देता है, अच्छा आपको पायल था, उसने फटाकर अर्सोग्न भट्टी दे दी, उसको उठा के उसने पढ़ा, फायदा हुआ, उसने खुद लेके खाना शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं होम रेमेडी बनती चली जा रही है, इनका कार्ड हमको ढूंढना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है सर, मतलब कचूर ले सकते हैं, तिकतरस ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। दशमूल के ऊपर लेडीज की फोटो बना देते हैं, पेशेंट कहते हैं तुमने मुझे लेडीज की दवाई दे दी। आप बार बार फोन करते हैं सर, दशमूल का रिश्ता कोई नहीं लेना चाहता सर। हाँ मेरे पास भी ऐसे आते हैं पेशेंट। हाँ सर, एवियन वाले पेशेंट को जब मैंने कनका सब दिया उसने 10 बार पूछा सर वो ठीक हो गया पेशेंट एवियन वाला। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सक्सेस हो गया, बढ़िया सर। मैं सर बोल रही हूँ सर, पूछ रहा हूँ मैं थोड़ा सा अपना, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है सर। सर अभी मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरे ना जो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, जो अभी ग्रहणी पढ़ रही हूँ, जैसे थायराइड का तो मैं ले रही हूँ, पर मैंने देखा है कि मेरे को ना पेट की प्रॉब्लम है, कभी गैस हो जाती है और कभी भूख नहीं लगती, और ये इशू रहता ही है सर। उठते ही तो मैं जाती हूँ एक बार, और सुबह भी मॉर्निंग में भी प्रेशर बहुत होता है मोशन का, और इतना वो भी बंधा भी नहीं आता अभी, थोड़ा इतना लूज भी नहीं है, बट फिर मुझे थोड़ा दोपहर को भी या इवनिंग को आता नहीं है मोशन, आया नहीं अभी 4-5 दिन से, और मुझे होता है कि मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन फिर थोड़ा गैस ही हो जाता है कि गैस पास हो गई या मोशन नहीं आया, और रात भी सर मुझे हेडेक हुआ, फिर ज्यादा पित्त मुझे बहुत लग रहा है बड़ा, और फिर मेरे को पेट को मैंने थोड़ा दबाया और उससे मुझे बहुत घबराहट हुई, और जैसे नाभि के ऊपर दबाने से मेरे को ना पल्स जैसे फील काफी ऐसे, तो फिर मैंने थोड़ा पानी लिया। और ऐसा सर कुछ ना कुछ होता है, तो मेडिसिन तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, वो त्रिकटू और पंचतिक्त वाला भी नहीं ली मैंने आज, फिर आज थोड़ा ठीक रहा मेडिसिन का तो नहीं, कुछ मैं पहले ली थी 1 मंथ तो कोई दिक्कत नहीं आई, और अभी 3रे मंथ में ले रही हूँ,
और मैंने सर आज अपना फिर वो यूजीसी भी करवाया, उसमें मेरे को पहले था ये एडिनोमायोसिस, वो भी थोड़ा, हाँ जी, उसकी वजह से भी मेरे को लोअर एब्डोमेन में भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, थोड़ा बल्कि थोड़ा यूट्रस आया है। अच्छा, हाँ जी, तो बाकी वैसे पीरियड में तो मुझे मतलब के ब्लीडिंग कम ही हुई है पहले से, अभी ब्लीडिंग के तो कोई इश्यू नहीं है, टाइम से होता है। तो सर ये मेरी डाइजेशन वाली मुझे लग रहा है ज्यादा, आगे आगे ज्यादा मंदगनी का, फिर मेडिसिन का भी ऐसे कैसे मेडिसिन ले, अगर कुछ इसमें कुछ ऐड करना है। और क्या क्या चल रहा है सर? अभी तो मैंने इसका तरीका टू और पंच को अपना पंच टिक शुरू कर दिया है, आरोग्यवर्धनी ले रही हूँ, इससे लास्ट वाला मैंने अर्गवत स्टॉप किया है 15 डेज देके। अच्छा, अभी फिर मैंने फिर से फर्स्टली ये वाला शुरू कर दिया, ऐसे 15 डेज बाद चेंज करती हूँ, पहले त्रिकट टू पंच तिक्त आरोग्यवर्धनी, और फिर मैं इसका ले लेती हूँ अपना 64 ग्रह पिछली वाला पुनर्नवा। अच्छा ठीक। अच्छा इसमें ऐसा करो, एक तगर लेना शुरू करो, तगर 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 तो टू बीडी। हाँ, दो गोली सुबह शाम हिमालय की आ रही है, दो गोली सुबह शाम ले लो, तगर ले है मेरे पास मंगवाई है। बस बस बस। तो सर ये पेट के लिए क्या कुछ ऐसे ग्रहणी की कुछ वो तो नहीं बन जाएगी? मैंने तो जैसे जैसे पढ़ रही हूँ मैं बाद में बता दूंगा आपको, खुद ही समझ में आ जाएगा बाद में क्या। इस जब मैं ये ग्रहणी पढ़ रहे हैं तो इसमें साफ ज्यादातर समेट के चलूंगा। पित्त धरा कला तो मेरी तो पुष्ट नहीं होगी ऐसे तो मंदाग्नि कब से 15 सालों से। तो मैडम आप नॉनवेज लेते हो? नॉन वेज में मैं एग सर लेती हूँ। हाँ तो सर ने बताया ना मॉर्निंग में एग, कच्चा एग और ये मिल्क जो है, मैंने अपने कई पेशेंट को दिया मैम, रिजल्ट बहुत अच्छे। हाँ जी वही था सर, आप उसको यूज करो मैम जो सर ने बताया आपको, मैंने अपने कई पेशेंट को दिया, रिजल्ट बहुत अच्छे है, प्रॉमिसिंग रिजल्ट है, वेरी फास्ट रिजल्ट है। हाँ जी मुझे भी लग रहा था कि ऐसे एग, तो फिर मैंने आप उसको यूज करो मैम, आप उसको यूज करो, कोलेस्ट्रॉल मेरा थोड़ा बॉर्डर लाइन हो गया था थोड़ा। सर का टारगेट ट्रीटमेंट में अमाइनो एसिड बहुत बहुत स्ट्रांग से सर ने पकड़ रखा, उसको छोड़ो मत आप। तभी तो सर एक एक लाइन कल पढ़ रहे थे ग्रहणी की, और जी जी वो आप उसको लो, मैंने रिसेंट में एक महीने के अंदर में 3-4 पेशेंट को दिया है, इवन मल्टी सिस्टम ओरिएंटेड पेशेंट भी थे, जैसे कि एक पेशेंट था जिसको पार्किंसनिज्म मैंने डायग्नोसिस किया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और प्रोस्टेटोमेगाली, ओल्ड एज साथ में उसको हाइपरटेंशन, हाइपरयूरेसिमिया, मैंने क्या ना क्या था उस पेशेंट को। वो पेशेंट को और उसको बार बार लूज मोशन होता रहता था सारे दिन में, कई बार पट्टी लीन थीन कैचेटिक पेशेंट था, चेहरे में 10 दिन में ग्लेज आ गया, चेहरा भर गया, खुद ही खुश था पेशेंट, उसका मोशन भी बंद हो गया अपने आप। ये तो रिसेंट एक पेशेंट में बता रहा हूँ, तो आप उसको यूज करो मैम, आपको हाँ, आपको आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ लो, सर तो अच्छा ही बताए थे, बहुत ही अच्छा बताया। और सर बताओ कुछ, फिर क्या करूं, ये वाला ले रूं एक बार? यही करो ना सर, मैडम पहले आप इसको करो, सर ग्रेट है, आपको समझ में आ जाएगा, सर ग्रेट है। ये सविता जी कुछ बोल रहे हैं जी। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन था पूछ लूं? हाँ, एक मेरी पेशेंट चल रही सर, मैरिड है वैसे तो 30+ की, उसको ठीक ठाक चल रही थी, उसको हिस्ट्री दे रही है कि 2-3 साल पहले टीबी हुआ था, वो अच्छे से क्योर हो गया, पर अब उसको 2-3 साल पहले नहीं, शायद कुछ साल पहले, अब उसको 2 साल से अमेनोरिया हो गया पेशेंट को, पीरियड्स नहीं आ रहे, देखने में पेशेंट हेल्दी है, सब कुछ है, मोशन वगैरह नॉर्मल है। मैंने 1-2 महीने उसको शतावरी, अभ्रक, गिलोय सत्तम, साथ में स्वर्णमाली बसंत, स्वर्णमाली बसंत तो उसने ज्यादा नहीं लिया, चलो 1 महीना 20-25 दिन लिया होगा, पर ये पाउडर तो वो रेगुलर ले रही है, साथ में बीच बीच में कुछ आती है तो दे देती हूँ जो भी, पर उसको पीरियड्स लाने के लिए मुझे एक क्षयात्मक संप्राप्ति लगी थी, जो मुझे लगा अब ठीक है, अब शोधन के लिए कुछ देना चाहती हूँ, कैसे करूँ कि उसको आ जाए, बिकॉज उसने उससे मेरे पास आने से पहले एलोपैथी भी बहुत लिया पर पीरियड्स नहीं आए, तो क्या सोचूंगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो यही सोच रही थी कि क्षयात्मक है, टीबी के बाद की प्रॉब्लम है, तो मे बी कुछ ब्लॉक ब्लूक होगा कहीं ना, पर ब्लॉक यूट्रस में तो क्या होना, पीरियड्स आने के लिए तो कोई ब्लॉकेज वाली बात नहीं है, प्रेगनेंसी के लिए तो चलो हम सोच सकते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है या कुछ,
तो क्या कर सकती हूँ इसमें? प्रणाम सर। सविता मैम, उनके अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है? मैंने पुरानी रिपोर्ट्स तो नहीं देखी डॉक्टर साहब, पर अभी तो ठीक है, 7.3 पता नहीं 7.2 था। मतलब पेशेंट हेल्थ वाइज भी ठीक लग रही है। स्ट्रेस लेवल एंडोमेट्रियम और योर यूटराइन वॉल्स हैं उनका एक बार स्टेटस तो चेक करना होगा ना, और हार्मोनल ऐसे में थायराइड उसको नहीं है, बाकी मैं LH FSH वगैरह पहले उसका करवाया हुआ है, उसने यहाँ से भी वो ट्रीटमेंट ले रही थी। मतलब वो मेडिकल कॉलेज में लगातार गई है 6 महीने 2 साल, उन्होंने विथड्रॉल तो नहीं दिया पर वो फिर भी कुछ ना कुछ ईस्ट्रोजेनिक प्रोजेस्टेरोन देते रहे पहले, पर उसको नहीं फर्क पड़ा। बीच में कभी जब दवाई ली होगी तब आ जाते थे, पर उसके बाद उसको 2 साल से जब उसने मेडिसिन छोड़ दी तो आई नहीं। HRT से आते थे, मतलब थोड़ा सा जैसे HRT से लिया, थोड़ा स्पॉट लग गया महीने बाद, जब छोड़ने के बाद विथड्रॉल हो जाती थी 2-4 स्पॉट्स 2-4 दिन, पर जब उसने HRT मतलब सब कुछ बंद कर दिया तो 2 years से नाउ शी इज एमेनोरिक। एंड व्हाट अबाउट हर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री? हाँ शायद पैरा 2 है, नॉर्मल डिलीवरीज हैं या एक सिजेरियन, मुझे इतना याद नहीं, मतलब कोई मतलब अभी नाउ शी इज प्लानिंग फॉर द थर्ड, दैट्स व्हाई शी इज विलिंग कि मेरे को आ जाएं पीरियड्स। मे बी 2 फीमेल्स होंगी शायद, मुझे ऐसे लग रहा है, शायद मेरे को ध्यान नहीं, यही रीजन होगा। तो अभी ETB ठीक है, मतलब इतनी भी कम नहीं है, 7.3 इज फाइन अब जाके हुई होगी, पहले उसकी 5.4 भी थी। पर मैं सोच रही हूँ कि उत्तर की उत्तर बस्ती प्लान कर दूं, पर मैं सोच रही हूँ कि इतना कुछ मैं पहले उसका वैसे क्योर कर दूं। और तो मैं आपने ये कंटासा वासा वासा और ये नहीं दिया आपने सिर्फ और वो ये वाले सिरप्स देके देखो ना, बाकी तो खैर सर बताएंगे अभी, पर ये वाला जो है ना मैम इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब ये तीनों तरीके से स्रोतों अवरोधों पे काम करता है ना, और रक्त का भी शोधन करता है। और यहाँ पे मंगष्ठा और कनक। जी 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 मैम, बाकी सर विल कंफर्म डेफिनेटली, मुझे ऐसे लगता है। और दूसरा हाँ, और दूसरा मैम ऐसे उसमें जैसे ना एरंड पत्र भी पेट पे बांधते हैं, एरंड पत्र पे एरंड तेल लगाते हैं। अच्छा, एक और भी है, एक और भी पेशेंट साथ साथ चल रही, मैं दोनों ही डिस्कस करती हूँ। म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग माइक खोल लेना। जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी इसमें। सर मेरे पास भी एक ऐसा ही केस आया था, लेकिन उस लेडी को ना जैसे 30 इयर्स के बाद मेंसेस चले ही गए थे, और उसकी हिस्ट्री में पता लगा कि उसको गृहिणी की ही दुष्टि थी। सही कह रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है मैम। उसका खाना पीना और मतलब जो उसका मोशन है वो अगर सही है तो वो देखें आप। हाँ वो मैं देख लूंगी, पर पेशेंट ने ऐसी कुछ खास हिस्ट्री दी नहीं, मैं बता रही थी कि साथ ही साथ मेरे पास एक और मेरी अनमैरिड एक पेशेंट चल रही है, उसको भी पहले पीरियड्स आए थे 14 साल की उम्र में जैसे भी, तो अब 20 की है अभी, उसको शायद 1-2 साल से अब उसको पीरियड्स नहीं आए। मैंने उसको पेशेंट की बेल्ट ठीक है, यंग लड़की है ठीक ठाक, मैंने उसका एक शास्त्रोक्त विरेचन दिया, बृहत विरेचन प्रॉपर उसने लिया, मुझे उसके बाद उम्मीद थी कि इसको आ जाएंगे, पर अभी भी नहीं आए। तो उसके जो है यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम की लेयर एक लाइनिंग आई है, यूजली वो ईस्ट्रोजेनिक होती है, तो उसको भी यही सोच के मैंने शतावरी वगैरह दिया हुआ है, उसको भी शायद शतावर अगर गिलोय सत्तर चल ही रहा है, साथ में एरंड वरिष्ठ हृत की भी बीच में मैं कुछ ना कुछ चला देती हूँ। तो दोनों पेशेंट मुझे तंग कर रहे हैं, 3-3 महीने हो चले, मेरा मन नहीं करता कि उसको मैं विथड्रॉल दूं, तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही आ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। वो सर सब लोग मिलके बताइए, सर से भी पूछते हैं। दोनों में जो संप्राप्ति बन रही है वो है, और जो मित्तल और एक अदरक स्वरस भी तो बोलते हैं ना कि इसमें अगर दें तो उससे भी वो तो मैम पीसीओडी में सिस्ट में रप्चर के लिए तो मैं देती हूं अदरक स्वरस। अदरक मैं अदरक घृत घृत का नस्य जब मुझे पोषण ऐसे देना होता है तो मैं देती हूं, पर इसमें मुझे पीसीओडी है, पर वो वाली प्रॉब्लम मतलब जो उसकी यूट्रस में प्रॉब्लम आई है कि उसमें एंडोमेट्रियल एक टैग आया। अरे पीसीओडी का नाम से ध्यान आ गया मुझे, 2 ड्रग लिखी वो मैंने अभी शुरू किए हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे मिले हैं 3 मरीजों में। बोलिए बोलिए सर। मैंने ऐसे ही दे दिया था, मैंने कहा देखता हूँ इसको मैं। हाँ जी
हाँ, और वो कहीं मैंने थोड़ा था उसको, मुझे थोड़ा लिंक मिल गया था कहीं, और वो लिंक मिला नहीं और मैंने उसको अप्लाई किया नहीं। हाँ जी। फेवरेट बैट्समैन और इंसुमिन, सुगर की दोनों दे बैठा मैं उसको, मैंने कहा ये खा। कौन सी सर? इंसुमिन। हाँ सर, तो वो बिल्कुल नहीं नहीं, इट इज प्रैक्टिकेबल बिकॉज वो लोग मेटफॉर्मिन देते हैं और वो यही करते हैं, और हमने इंसुलिन दिया तो सेम पैरेलल ट्रीटमेंट चला गया। हाँ, वो तो मैम मैं आपको बताऊं, एक ना हमारी एक डायरी, क्या कहा सर ने दूसरी टैबलेट क्या बोली? बैट्समैन, बैट्समैन वो क्या है? सर स्पेलिंग बोलो सर, इसमें क्या है बैट्समैन? सर ये दोनों ही एसकेएम सिद्धा की मेडिसिन है, बैट्समैन और इंसुलिन, वो वहां पर रिकमेंड करते हैं फॉर डायबिटिक पर्सन। तो हमें यहाँ पर हाइपर इंसुलिनिया की जो कंडीशन होती है ना उसको कवर करना होता है पीसीओडी में, इसलिए वो दोनों वहाँ वर्क करती है। वर्क कर गई ये? नहीं तो सर ऐसे तो मैं आपको बताती हूँ, एक डायनोवा आती है ये जो फार्माकोलॉजी, तो जो ओबीस पेशेंट है मेरे जिनके मुझे सिस्ट बड़ी लगती है, अगर मुझे उन पेशेंट्स में पीरियड्स लाने हैं तो मैं डायनोवा चलाती हूँ, और बड़े बढ़िया पेशेंट फर्स्ट क्लास पीरियड्स उनको टाइम पे आते हैं, साथ में जो भी कुछ और देख लेती हूँ क्या चलाना है, अशोका दशमूल कुमारिया सब देवदार व्याधि कार्पासमूल कुछ भी चलाती हूँ जो भी अकॉर्डिंगली। पर अब ये दोनों पेशेंट जो हैं मुझे लग ही नहीं रहा इनको कि क्षयात्मक थोड़ी सी मुझे फील आ रही है दोनों की, तो इनमें मैं डायनोवा नहीं चला रही, बाकी तो पेशेंट्स होते हैं, तो इनमें मुझे इसलिए मैं डरते हुए चलाई। तो आप अगर मोटे नहीं हैं पतली हैं दोनों में कोई ना कोई ऐसी टीबी टाइप कुछ हिस्ट्री रही है क्षय की, तो तब क्या चलाऊं? हाँ, अब मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो बताया आप उसको यूज करो, क्या बताया वो आप लिख लो। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने बताया तीन ड्रग, कनका सब बासारिस्ट और ये मंजिष्ठा। हाँ जी ठीक है, लिख लिया। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ जो कि पोस्ट ट्यूबर कलर में देते हैं, और लगभग उसको दो महीने खिलाने हैं। अच्छा ठीक है, नवजीवन। अच्छा एक मिनट सर, नवजीवन। हाँ जी ठीक है, ये नवजीवन सीरम मिलेगा आपको, ये 20 ml सुबह और 20 ml शाम को, ये पोस्ट ट्यूबरकुलर है। आपको कहीं पर भी किसी भी दिक्कत कहीं लग रही है, ट्यूब ब्लॉक है, ये है वो है, और वो क्या ट्यूबल पोटेंसी वगैरह ये दिखाते हैं उसमें, क्या अल्ट्रासाउंड में वो क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, हिस्टो HSG, हाँ वो होती है ना, तो वो उसमें अक्सर जो वो ले देते हैं बायलेटरल ट्यूबल पोटेंसी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो पोस्ट ट्यूबरकुलर में या बायलेटरल ट्यूबल पोटेंसी होती है उसमें, समझ गई। हाँ जी सर, और बसंत कौन? बसंत मालती। ठीक है, तो इसमें आपने अभ्रक भस्म भी बताया था, पर शायद अब जो नवजीवन रस है उसमें सारे ही जितने भी भस्म है उनका वो योग है, वो बिल्कुल जाके सूक्ष्म गामी स्रोतों को खोल देगा और वहां पे हल्का क्षरण भी कर देगा और क्षयात्मक संप्राप्ति को भी ठीक करके उसका पोषण कर देगा। ये सिरप मैडम नवजीवन रस है कि नवजीवन सिरप है? नवजीवन मेरे पास तो सर है, मेरे पास तो सर रस है। सर ने क्या बताया? मुझे नहीं पता। नवजीवन रस है, सिरप भी आता है इसका। अच्छा, मेरे पास तो टैबलेट है। सर के सिरप बेटर है? वैसे तो अगर लेडीज ज्यादातर सिरप बीरप पीने में दिक्कत करती है तो गोलियां दे दो। सर उसको दीपन पाचन शोधन करके ही लेना है। नवजीवन रस है जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, इसको दीपन पाचन शोधन करके ही लेना है। नवजीवन रस और नवजीवन सिरप एक है क्या? दोनों एक ही है, वो हम चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे ना एक बार, नहीं तो सर इसको दीपन पाचन शोधन के बाद ही देना है, कुछ देख के नहीं ऐसे ही चला दें। दीपन पाचन शोधन सिर्फ केवल उन ज्यादातर डिजीज में किया जाता है जहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति होने के साथ में अगर छह कहीं हो रहा है किसी भी चीज का, हाँ जी छह ही कर रहा है तो फिर वहां आम कहां पर बचेगा? ठीक है ठीक। हाँ, प्यूबर क्लोसिस में छह होता है लेकिन वो स्रोतो अवरोध यानी कि उदावर्त के कारण होता है, यहाँ भी उदावर्त है, बगैर उदावर्त के वहां पर छह मतलब एनर्जी किसी भी उसका होगा ही नहीं, तो यहाँ भी उदावर्त है, और उदावर्त को ठीक करने के लिए देखो च्यवनप्राश दे दिया, एक चम्मच सुबह शाम खाओ, ठीक है, और उसके साथ जो है स्वर्ण बसंत मालती चलता रहेगा। हाँ जी, वो चिकित्सक मित्र जी ने बताया है वो, ये 7-8 ड्रग जो है उनको दो एक बार में,
ठीक है सर, मुझे लगता है कि पेशेंट ठीक ही हो जाएगी ना। थैंक यू। मैडम एक बात यहाँ बोलना है, एक बात बोलना है जो कामली मैडम ने बहुत पहले एक दिन के लेक्चर में बताया था कि जो मेंस के पीरियड को उन्होंने तीन भाग में डिवाइड किया था, कफ पित्त और वात के रूप में। जो मिडिल पार्ट है जहाँ पर वो फॉलिकल मैच्योर होकर रप्चर करता है वो काम पित्त कराता है, और उसके बाद ही किसी को पीरियड आता है। अगर पेशेंट को पीसीओडी नहीं है या है, दोनों को देखना है, साथ में एंडोमेट्रियल थिकनेस आप बता रहे हो नॉर्मल है, तो और पेशेंट को और कोई एनोमलीज या प्रॉब्लम्स माने एज पर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि पेशेंट ने काफी जगह घुमा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा, और सर जो बताते हैं कि कफ जहां पर भी रहता है वहां पर जड़ता रहती है, अगर वायु केवल स्रोतों में घूम रहा है काफी समय से तो वो शुष्कता लाती है, नैरोइंग लाता है, स्रोतों को ब्लॉक करता है। तो थोड़ा सा इन दो कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे पीरियड के समय को तीन भाग में, जैसे आप 15 दिन के थायराइड के दवाइयों को चेंज करते हैं सर बताते हैं, वैसे ही पीरियड के लाने के लिए भी ऐसे दवाइयों को अगर तीन भाग में डिवाइड कर लें मेरे हिसाब से, और साथ में वायु और कफ को ध्यान में रखकर काम करें, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। मैं करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे हमने अगर कफ को बढ़ाना है, पहले हमारा यही होता है ना, कफ को यहाँ बढ़ाना नहीं मैम, यहाँ पर वायु देना है कि हमने थिकनेस बनाई, उसके बाद हमने इस्ट्रोजन को मैडम आयुर्वेद अपने जब कर रहे हैं ना मैम, तो एक बार कंसेप्ट में अपने इस्ट्रोजन भूल जाओ, चलिए मान दिया, पर अगर जब लगता है कि हमने कफ ले लिया, पित्त दे दिया, उसके बाद जब हमने वात या हमने दशमूल कुछ ऐसा देना होता है अनुलोमन के लिए और इसके लिए, तब जाके दिक्कत आती है, तब नहीं मुझे रिजल्ट मिलता। मैं शतावर दे देती हूँ, अभ्रक दे दिया मैंने, स्वर्ण मालती, पित्त के लिए शतावर यहाँ काम मेरे हिसाब से शायद नहीं करेगा, शतावर यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि वो पित्त प्रशमन की दवा है और यहाँ पर पित्त वृद्धि की जरूरत है। अच्छा, मैं फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग में देती हूँ शतावरी, फिर उसके बाद जब मुझे होता है कि वात अनुलोमन के साथ मैं इसको पीरियड्स लाने के लिए कुछ दूं, तब मेरा भेदन का मेरा थोड़ा सा होता है मन कि कुमारी असर दे दूं, अगर मुझे लगता है। मैडम मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं अपने बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, यहाँ पर वापस से बोल रहा हूँ कि अगर कोई काम ऑर्डर जो होता है ना, किसको पहले करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पीरियड के जो है और साइकेट्रिक केसेस के जो एक्सेस होते हैं ना, दे आर वेरी सेंसिटिव, यहाँ पर कुछ भी इरेगुलर ऑर्डर में देने से। आवाज चलेगी डॉक्टर साहब की? हेलो, सबकी आवाज चलेगी, मेरी चलेगी? नहीं नहीं हमारी नहीं आ रही है सर, आपकी आ रही है, मनोज जी की चल, डॉक्टर साहब की चलेगी। चलिए, मैंने समझ लिए वैसे बहुत कुछ अब, थैंक यू, मैं एक बार ट्राई करती हूं फिर बताती हूं। हमारे गायने के डॉक्टर है ना अनीता जी, थे उनके भी राय ले लो, बोल रही थी वो भी। हां जी मैम, अनीता वशिष्ठ, अनीता जी, डॉक्टर साहब चले गए क्या? कुछ लोगों को, अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब अशोक और लोद्र और शतावर और गोक्षुर, ये थोड़ा काम नहीं करेगा? अशोक मैं देती हूँ, बाकी सर बता देंगे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, जब मुझे गर्भाशय के लिए थोड़ा पोषण करना होता है, पर अशोक थोड़ा मंदग नहीं करता है, तो यहाँ पेशेंट की अगर भूख भाग ठीक है तब मैं अशोक देती हूँ। जब मुझे लगता है थोड़ा भेदन करना है, मेरी एंडोमेट्रियम थिक मतलब बन गई, अच्छी सी पोषण हो गया, फिर मैं कुमारी असर देती हूँ बाद में, ऑर्डर में ही देती हूँ, वैसे मैं प्रॉपर ऑर्डर मतलब करती हूँ, पर फिर भी कई बार इतना कुछ करने के बावजूद भी नहीं आते। मैं मानती हूँ गलती तो हम लोगों से ही होती है कि हम पूरा पोषण नहीं दे पाते, तो भेदन कैसे कर दें, बस कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, चॉइस ऑफ ड्रग्स में प्रॉब्लम आती है। सही बताऊं मैं कुछ बोलूं? जी जी बोलिए मैम। मेरा भी एक ये केस फंसा हुआ था ना, ये लीन पीसीओडी में ही। अच्छा हाँ, कि ये केस चल रहा था, आप सबसे अच्छा। बात करी थी मेरी, तब मैंने डॉक्टर अनीता वशिष्ठ से भी बात करी थी, उन्होंने एक शीर बला, उन्होंने बोला था कि एंडोमेट्रियल थिकनेस जो 7 mm है ना, हां जी, इसको बढ़ाना है हमने 11 या 12 mm तक, ताकि पहले वो बढ़े और उसके बाद हम उसको जो है फिर मेंस्ट्रुएशन की तरफ लेके जाएं। यही बात कामनी मैम जब एक बार हमारे ग्रुप में आए थे, जब मैंने उनसे पूछा था कि लीन पीसीओडी के अंदर हमने कैसे चलना है, तो उन्होंने भी यही लाइन बोली थी कि पहले हमने उसका ब्रेहन करना है, तो ब्रेहन करके पहले हमने उसका
एंडोमेट्रियल थिकनेस को पहले बढ़ाना और उसके बाद फिर हमने पित्त वृद्धि पर जाना है ताकि तो किससे ग्रहण करना है पहले अशोका इज द बेस्ट ड्रग फॉर एंडोमेट्रियल ठीक है और डाइट उसकी करो एलमोंड्स दो वॉलनट्स दो ठीक है उसके बाद फिर हमने ग्रहण कर लिया अशोका से उन्होंने शताब्दी जो है ना क्षीर बला तैल बोला था उन्होंने कहा था क्षीर बला तैल की आप बस्ती दीजिए सेवन डेज या टेन डेज उत्तर बस्ती मात्रा बस्ती क्षीर बला तैल की उन्होंने 10 दिन के लिए बोली थी कि दीजिए साथ में उन्होंने बोला था शिग्रू दीजिए हाँ शिग्रू अच्छा हाँ पीसीओ उसमें करेगा ठीक है और बाकी मैम जो उन्होंने बताया था वो उसके अंदर बाकी सब चीजें तो मेरी जैसे कुमारी आसा वगैरह चल रहा था उन्होंने सोरा हरीतकी को ऐड करवाया था मुझसे अभ्यारिष्ट उन्होंने कहा था कि बाकी चीजें काफी जा चुकी है अब आप अभ्यारिष्ट पर आ जाइए तो अभ्यारिष्ट दीजिए अदरक के सोरस का नस्य उन्होंने बोला था कि वो देना है उसके बाद उन्होंने कहा था कि एंड में अगर हमें लगा तो उस टाइम पे तिल तेल के और सॉरी तिल तेल नहीं तिल और तिल गुड़ और भरंगी डालकर उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य गुड़ तो वो वाला क्वा था अपने उसे लगातार पिलाने और एंड में रजा प्रवर्तनी वटी ऐड करने को बोल रहा था और शिलाजीत और अश्वगंधा भी उन्होंने कहा था कि ऐड कर लीजिए इसमें जिसकी एक्सपर्टी हो ना एक बार उनका किसी का वो ले लो ओपिनियन संभाषा में हमारे यहाँ कोई हो एक्सपर्टीज के जिन्होंने काम किया हो अच्छे से पूरा इसको समझा दें इसकी पैथोलॉजी पूरी तो ज्यादा अच्छा रहेगा सबको क्लियर हो जाएगा काफी बार इसको मैं सर ये पैथोलॉजी में मैं काफी बार पूछ चुकी हूँ ना सभी डॉक्टर से तो सबने एक ही बात करी है वात क्षय जन्य है तो उन्होंने यही पॉइंट दिया कि हमें इसे कंट्रोल में लेने के लिए सब बात को पहले तो हमने उसे धातु को पोषण देना है और बाद में हमने पित्त को बढ़ाना है ताकि अपनोरिया टूट सके बहुत बढ़िया बात है और इसके अंदर उन्होंने जो लीन पी स्टोरी के अंदर है अभी मैं एक लेक्चर अभी सुन रही थी आज मैंने लेट ही ज्वाइन किया है अभी ज्वाइन किया है बेसिकली इसमें लीन पी स्टोरी में उन्होंने बोला कि नाग केसर को दीजिए कहते नाग केसर का बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा एंड जबकि पहले मैं हमेशा देती हूँ और इस केस में मैंने नहीं दिया और इसके अलावा उन्होंने बोला कि क्रॉन्च नागरमोथा यष्टि मधु शतावरी अश्वगंधा ये सब ग्रहणीय द्रव्य दीजिए फर्स्ट लंघन फिर दीपन फिर पाचन घी का प्रयोग ज्यादा कराना है और फिर ग्रहणीय द्रव्यों के अंदर उन्होंने शतावरी अश्वगंधा क्रॉन्च नागरमोथा यष्टि मधु लेने को कहा और तीसरा नाग केसर को बोला पर यूज अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा बस वही पूछ रही थी मैं सर से कि अगर हमें क्षय को दूर करना है तो ड्रग ऑफ चॉइस और जब भेदन करना है तब ड्रग ऑफ चॉइस वही था मेन बिकॉज काम तो मतलब मैं भी काफी करती हूँ इसके ऊपर एक बार तो एक मेरी पेशेंट 3-4 साल है मैं नौरिया वाली फलग्रित की क्योंकि उसकी एंडोमेट्रियम थिकनेस कम थी तो एक महीने में फलग्रित की उत्तरवस्ती दूसरे महीने में शतावरी घृत की उत्तरवस्ती उसी से वो बहुत बढ़िया ठीक हुई उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी उसको एवरीथिंग वाज फाइन बस कई बार चॉइस ऑफ ड्रग्स नहीं मिलती प्रॉब्लम इज दिस सर डॉक्टर सोनाली का केस है कोई बोल रहे हैं चैट बॉक्स में लिखा हां हां चलिए थैंक यू सर सर वो ले लो उनका डॉक्टर सोनाली आप बोलिए प्रणाम सर प्रणाम एक पेशेंट है उनका एज 45 है वो ड्राइवर है और अल्कोहलिक भी है और टोबैको च्यूइंग है वेट 53 है और उनको ये लीवर पैरेन्काइमल डिसीज विथ माइल्ड स्प्लिनोमेगैली और उनको अभी कंप्लेंट्स है उरोदाह उरोशूल शिरशूल बेचैनी और डकार ज्यादा आती है और हिक्का मलबद्धता है जीवा साम है और हीमोग्लोबिन अभी 7 है और थोड़ा ब्लड आता है स्टूल में तो उनको ऐसी हिस्ट्री मिली कि 1 महीने पहले उनको ब्लैक स्टूल आ रहा था यानी अल्कोहल लेते ही रहते हैं तो उसकी वजह से
उनको पेट दर्द होता था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और ब्लैक स्टूल आता था, फिर पेट दुख रहा था तो फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो जब काम पर गए तो उनको कोलैप्स हो गए, तो फिर उनको लेके गए तो उनको समझ में आया कि ब्लड हीमोग्लोबिन सिर्फ 4% है, और उनका सब चेकअप होने के बाद उनको इसोफेजल वराइसिस है, और ब्लड भी ट्रांसफ्यूजन हो गया, फिर एंडोस्कोपी की इन्होंने, तो ये इसोफेजियल वराइसिस और ये सब लिवर पैरेन्काइमल डिसीज हुआ है, तो सर इसमें कैसे विचार करें? गिरीश प्यारा एज 45 है क्या? कोई अपने उस मोबाइल पे देखेगा कि फेसबुक लाइव हो रही है नहीं हो रही, पता लगे मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली? नहीं हो रही है, मैं अभी देख रही हूँ। चार पांच रोज से नहीं हो रही है सर ये चीज। मैंने तो अभी देखा इसको, मैं कोई फेसबुक पे दिख ही नहीं रहा था मुझे कोई, जब मैंने उसका दबाया। चार पांच रोज से नहीं हो रही है, मैं सोचा कोई प्रॉब्लम हो रही है या तो आप। मैं तो कल भी फेसबुक से ही सुन रही थी और परसों भी फेसबुक से ही सुन रही थी। नहीं, आज फेसबुक पे हो रही थी, मैं फेसबुक पे ही थी, फिर बीच में आई हूँ तो उसके बाद बंद हुई है। चल रहा है फेसबुक पे सर, चल रहा है। सर कल तो शोर भी चल रहा था सर, मैं तो कल पे फेसबुक से ही सुना मैंने। मैम जितनी बार मैंने ट्राई किया था ना वही लिख के आ रहा था कॉपीराइट। हाँ कॉपीराइट कर भी आ रहा है। हाँ अभी तो चल रहा है। चलो अच्छा सोनाली मैं इसको ले लूंगा आपका, यहाँ का कल तक का समय दे दो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर। हाँ। सर नमस्कार, मनोज अग्रवाल, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जाना पड़ा सर। ये केस के बारे में मैं ट्रीटमेंट तो बोल रहा हूँ लेकिन संप्राप्ति आपसे सुननी है। सर मेरे एक पेशेंट का हुआ था सर, पेशेंट मेल पेशेंट डायबिटिक हाइपरटेंसिव और इसोफेजियल वेरिसिस का बैंडिंग हो चुका है, और पेशेंट ओबेस एज अराउंड 58, पेशेंट को पेशेंट ऑन इंसुलिन था पेशेंट, अब उस पेशेंट को जब मैं देखने गया तो पेशेंट बेहोश था। 7 दिन से उसको बीच में अवेयरनेस थोड़ी देर के लिए आती तो वापस बेहोश हो जाता था, घर में ही था, तो मैं घर में ही देखा था उस पेशेंट को, और उस पेशेंट को सर घर में ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट आज काफी अच्छा है, और पेशेंट का इवन मैंने जो थर्ड स्टेज प्री हेपेटिक कोमा डायग्नोस किया था वहां से भी पेशेंट का अमोनिया 95 तक था जो कि आज 54 पे है। पेशेंट काफी अच्छा है, पहले से लश्चर वगैरह भी बढ़ा है, उसके सारे रूटीन्स नॉर्मल, इंसुलिन भी बंद हो गया। हेलो, हाँ मनोज जी आवाज आ रही है? हाँ 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 सर। तो सर चुप कैसे हो गए, बताओ दागे फिर। हाँ बोल रहा हूँ कि वो पेशेंट को मैंने सर पहले दिन तो होश में लाने के लिए जस मैंने कृष्ण मरीच और साथ में लहसुन का रस को यूज किया था, पेशेंट उससे रिवाइव हुआ। नशे के लिए? नशे के लिए जी सर, जी ठीक। और उसका माथा जो है ठंडे शीतल जल से बेहोशी जो है भ्रम बेहोशी भ्रम मूर्छा संन्यास अपने पित्त प्रेडोमिनेंट डिजीज के रूप में लेते हैं, इसलिए मैंने शीतल जल से उसका सिर माथा धोया था, धारा के रूप में जैसे अपने करते हैं वैसे धारा के रूप में घर में ही किया, और उसके बाद वो देने के बाद पेशेंट उठ के बैठा, वो कुछ खाना चाह रहा था, सुबह से बेहोश था, तो मैंने उसको उसका पसंद का चीज पूछ करके उसको खिलाया, उसको दवा दी, मैं चलाया। नेक्स्ट डे पेशेंट उठ करके खुद से अपना नाश्ता करता वीडियो मेरे को मिला, एंड पेशेंट को जो है मैंने आरोग्यवर्धिनी दी थी और साथ में उसको पत्रिका दी काढ़ा और चंद्रप्रभा तीनों ही दिया था, और उसके बाद शाम को पेशेंट के घर वालों को बोला था कि एक बार आकर के मेरे को मिलना, उससे मैं उसको कास्टनी पुनर्नवा और उसको ये दिया था मकोए, इन तीनों का अर्घ जो होता है 20 ml करके दिन में 2 बार खाली पेट में दिया था, और
बाद बाकी कामदुधा कामदुधा रस दिया था उसको मुक्ता युक्त बेसिकली पित्त पर मैंने चिकित्सा का संप्राप्ति रखा था और सर उसके बाद से पेशेंट ग्रेजुअली इम्प्रूव ही होते चला गया इंसुलिन भी बंद हुआ पेशेंट के सारे लाइफ स्टाइल अपना डेली अपना वो दुकान जाना वगैरह सारा काम करता है और पहले से पेशेंट बहुत अच्छा है जो प्रॉब्लम हुआ था अभी रिसेंट में करीब 15 दिन पहले या 10 दिन पहले हुआ था पेशेंट को सीवियर गैस्ट्राइटिस हुई थी और एक्चुअली मेरा डायग्नोसिस चंद्र प्रभा भट्टी में चित्रक रहता है तो दैट मे बी द रीजन तो वो एक रीजन बन सकता है मेरे चार पांच पेशेंट को चंद्र प्रभा से गैस्ट्राइटिस के केसेस की हिस्ट्री है जब मैंने खाली पेट में देना चालू किया था बट वो पेशेंट बहुत अच्छा है काफी अच्छा रिस्पॉन्स है और वो पेशेंट अभी भी मेरे पास में कभी भी वीडियो ला सकता हूँ उनका मैंने उनको वीडियो यहाँ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देख रहे थे थैलिडोमाइड उन्होंने दे रखा था 50 मिलीग्राम बीडी करके जी सर सिरोसिस का क्या पेशेंट को एक पेशेंट को विरेचन भी दे रखा था मैंने शुरू में बाद में और देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आरोग्यवर्धनी चल रही थी ठीक है डॉक्टर साहब कल करेंगे आप थोड़ा इसको भी देख लें सर मेरा फोन उठा लीजिए मैं कई दिन से आपको फोन कर रही हूँ सर मुझे अपनी डॉक्टर के बारे में पूछना था अच्छा, अच्छा। मैं डॉक्टर अंजलि बोल रही हूँ हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक सर 9:30 के बाद कर लूँ सर आपको अगर फोन कर रहे तो किस समय फोन करना इसके बाद ही कर लेना या फिर 8:00 सुबह ठीक है 8 से कितना 9:00 के बीच में हाँ हाँ ठीक है सर ओके गुड गुड नाइट सर गुड नाइट प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार सबको प्रणाम शुभ रात्रि